सबसे पहले बेटा हम लोगों के पास हम एक डेफिनेशन लिखते हैं जेनेटिक्स की सबसे पहले पहले पेज पे आपको सिर्फ जेनेटिक्स की डेफिनेशन को लेना है जेनेटिक्स की डेफिनेशन कहती है कि एक ब्रांच है जो डील करती है दो चीजों से ब्रांच डील्स विद हमने क्या स्टार्ट किया है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट किया है तो व्हाट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो दो चीजों से डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन किससे डील करती है बेटा हमारे पास हैरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है तो देखो व्हाट इज हेरिडिटी हेरिडिटी क्या होता है किसी भी कैरेक्टर का किसी भी मान लो ये मेरे पास पेरेंट है पेरेंट से प्रोजेनी में ये बच्चा है पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ठीक है और किस प्रोसेस से ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस प्रोसेस से तो आपको ये समझ में आना चाहिए जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो दो बातों बातों से डील करती है एक मेरे पास है बेटा हेरिडिटी और दूसरा हम लोग बोलते हैं वेरिएशन अब व्हाट इज हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस गैमेट की मदद से होता है ना व्हाट इज वेरिएशन वेरिएशन क्या होता है जैसे मैं, मैं आपसे पूछू व्हाट इज वेरिएशन आप कहोगे वेरिएशन का मतलब डिफरेंस अंतर किसके बीच का अंतर ध्यान से सुनना किसके बीच का अंतर पेरेंट का ध्यान से देखो ये पेरेंट है हमारे पास पेरेंट का बच्चे से कितना डिफरेंस है दैट इज वेरिएशन या दो बच्चों का आपस में कितना डिफरेंस है दैट इज वेरिएशन समझ लो ध्यान से वट इज वेरिएशन अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंस अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंस मैं लिख सकता हूं अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंस किसके बीच में किसके बीच में पेरेंट का प्रोजेनी के साथ और दो बच्चों का आपस में उसे हम क्या बोलते हैं वेरिएशन बोलते हैं दोनों डेफिनेशन क्लियर है दोनों डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं बताओ वेरिएशन और हेरिडिटी इन दोनों के लिए क्लियर है बेटा क्लियर है हा बेटा नोट्स इसके बाद मिलेंगे आपको कृपया पढ़ाई करें आप ध्यान से सुनते रहे ठीक है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा समझ आएगा आपको तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर जो है हमारे पास इसकी काफी वेटेज है और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए इसको ध्यान से करना है पहला पेज आपको सिर्फ यह बता रहा है कि व्हाट इज हेरिडिटी और वेरिएशन दूसरा फर्स्ट पेज पे यह लिखा हुआ है कि ह्यूमन को पहले से पता था वेरिएशन के बारे में कुछ ना कुछ होता है और उसका सोर्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन था तो उसने कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन यूज करके उस वेरिएशन का यूज किया है जैसे कि उसने क्या किया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करिए एनिमल्स को जानवरों को पाल के या प्लांट की डोमेस्टिकेशन करके उस वेरिएशन का यूज किया है जिसका एग्जाम्पल दे रखा है साहिवाल काउ पंजाब में तो वो सब आएगा नहीं बस इतना याद रखो कि ह्यूमन को पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज थी इस बात की कि सोर्स ऑफ वेरिएशन कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है अब क्या था बेटा हमारे पास ऐसी कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी हमारे पास किसको लेकर हेरिडिटी को लेकर तो इस पर सबसे पहला प्रॉपर काम किसने किया मेंडल ने किया मेंडल ने एक, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और मेंडल के काम का ईयर हमें पता होना चाहिए तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेके कि जो मेंडल का काम है वो क्या है आप देख लो मेंडल की जो डिटेल है सबसे पहले आपको ये याद करना है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल ने वो काम किस ईयर में किया 1856 से 63 के बीच में इस ईयर में उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किस पर किया पी प्लांट पर किया किस पे किया पी प्लांट पर जिसको हम पाइजम सटाइवम कह रहे हैं इस पे किया और उसने मेंडल ने बेटा जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसको पब्लिश किया 1865 में ये कहां दे रखा है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के वहां पर लिखा हुआ है उस पेज पर लिखा हुआ है तीन साइंटिस्ट जिसने मेंडल के काम को रिडिसकवर किया नाइनटीन में 1900 में कार्ल कॉरेंस एशमा डी वेस इन तीनों ने इंडिविजुअली मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया 1900 में तो मेरे पास क्या क्या डाटा आ गया आप देख सकते हो मेरे पास मेंडल के काम की डिटेल आ गई ठीक है मेंडल का काम कब पब्लिश हुआ यह करना है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम करना है मैं रिपीट कर रहा हूं मेंडल के काम से पहले हमारे पास कोई भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे हम ये बता सकते थे कि हां भाई हेरिडिटी हाँ, कुछ होती है मेंडल के काम के बाद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स आए जिसे हमने क्या बोला उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया पी प्लांट में वर्क ईयर याद करना है नीट में भी क्वेश्चन आया आपके स्कूल में भी आ सकता है कि कितने साल तक किया सेवन ईयर तक किया क्लियर है कब पब्लिश किया 1865 में और उसमें उन्होंने जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें प्रॉपर रिजल्ट आने के कुछ कुछ रीजन थे जो मेंडल ने किया पहला क्या मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथ्स और स्टैट्स का यूज किया मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सैंपल साइज काफी बड़ा था उन, उसने अपने रिजल्ट की बार बार सेल्फिंग करके रिजल्ट को क्रॉस चेक किया और मेंडल ने एक जनरल ट्रेंड दिया मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेंडल के सक्सेस के रीजन क्या थे क्या कारण था मेंडल सक्सेसफुल रहे वो रीजन क्या है कि मेंडल ने मेंडल ने ने मैथ्स और स्टैट्स यूज किया अपने रिजल्ट को बार बार चेक किया सेल्फिंग करा के या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू मेंडल के सैंपल साइज बड़ा था मेंडल ने एक जनरल प्रिंसिपल दिया रेदर अनसबेंटेड डाटा मतलब मेंडल ने जो भी रिजल्ट आया उसके थ्रू एक जनरल प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की रेदर उन्होंने एक एक सिंपल सा डाटा दे दिया कि नहीं भाई ऐसा होता होगा ऐसा कुछ नहीं किया प्रॉपर एक उन्होंने क्या बनाया बेटा रिजल्ट बनाया मतलब एक एक जो रिजल्ट आए उनको एनालाइज किया क्या यहां तक ठीक है क्या यहां तक ठीक है बेटा ठीक है हाँ फर्स्ट टाइम यूज स्टैट्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक ठीक है क्लियर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक लार्ज सैंपल साइज अपने रिजल्ट को बार-बार चेक करना और जनरल प्रिंसिपल देना रदर अनसबस्टेंटेड डाटा क्लियर है था हाँ. ये एग्जैक्टली exactly एनसीआरटी की लाइंस हैं उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या था मेरी बात सुनो ध्यान से मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था उसमें मेंडल ने सात कैरेक्टर लिया आप देख सकते हो सात कैरेक्टर लिए प्लांट के कैरेक्टर का नाम क्या है सीड शेप ये कैरेक्टर है उसकी दो फॉर्म है डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट तो राउंड और रिंकल्ड सीड कलर येलो ग्रीन फ्लावर कलर वॉयलेट व्हाइट पॉड शेप फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कलर तो आप अगर ध्यान से देखेंगे दो कैरेक्टर सीड के हैं दो कैरेक्टर फ्लार के हैं और दो कैरेक्टर पॉड के हैं पहला कैरेक्टर प्लांट हाइट का अलग से है मतलब प्लांट हाइट का एक अलग कैरेक्टर है दो पॉड के दो सीड के दो उसके कैरेक्टर हैं आप अगर बेटर रहे तो आप ऐसे याद करो आप इस तरीके से याद करो बेटा इसको लिखो एफ इसको लिखो पी और इसको लिखो एस मतलब एफ पी एस याद करो पहला कैरेक्टर प्लांट हाइट है जिसमें डोमिनेंट ट्रेक टॉल है और रिसेसिव मेरे पास क्या है बेटा डॉर्फ है शॉर्ट है ठीक है फ्लार कलर में वायलेट डोमिनेंट है और वाइट मेरे पास क्या है रिसेसिव है फ्लार पोजीशन में देखो फ्लार में क्या होता है बेटा देखो इधर मेरे पास अगर फ्लार यहां पर आए इसे एक्सियल कहते हैं तो ये वाली पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है दिस इज एक्सियल और ये टॉप पर होता है यहां पर बेटा मेरे पास क्या होगा टर्मिनल बोलते हैं तो ये एक्सियल और टर्मिनल लिया ठीक है एक्सियल और टर्मिनल रिसेसिव हो गया ये याद करना है बेटा आपके स्कूल में डायरेक्ट आएगा पॉड की शेप पॉड कैसा मतलब ऐसा स्मूथ शेप का तो इसे मैं स्मूथ लिख सकता हूं या मैं क्या लिख सकता हूं कॉन्स्ट्रिक्टेड लिख सकता हूं पॉड का कलर ग्रीन और येल्लो ठीक है सीड में येलो और ग्रीन उल्टा होता है बेटा और सीड की शेप जो है मेरे पास इधर राउंड और रिंकल्ड तो आप कैसे याद करोगे सुन लो ध्यान से आप ऐसे याद करो फ्लावर के दो कैरेक्टर हैं जिसमें फ्लावर कलर वाला पार्ट ऊपर है पॉड के दो कैरेक्टर हैं जिसमें कलर वाले पार्ट नीचे हैं तो एफपीएस फ्लावर के दो कैरेक्टर पॉड के दो सीड के दो प्लांट हाइट मेरे पास पहला कैरेक्टर ले लिया और मेंडल ने क्या किया था सेवन पेयर ऑफ प्योर कैरेक्टर लिए थे अब यहां पर सेवन पेयर का मतलब 14 उसने ट्रेट ट्रेट ली ली थी थी अब यहां पर प्योर शब्द का क्या मतलब है प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस तो मेंडल ने क्या लिए थे बेटा सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे जो प्योर थे नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर जैसे ये प्लांट टॉल है अगर आप टॉल प्लांट की सेल्फिंग करो बार बार सेल्फिंग करो और आपको सिर्फ टॉल मिले बार बार सेल्फिंग से अगर आपको डॉर्फ ना मिले सिर्फ टॉल मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं प्योर बोलते हैं तो रिपीटेड सेल्फिंग से अगर वही रिजल्ट आए तो उसे प्योर कहते हैं तो आपने क्या करना है बेटा आपने ये याद करना है कि मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सेवन पेयर ऑफ प्योर कैरेक्टर ली प्योर ट्रेट ली थी सेवन पेयर प्योर कैरेक्टर लिए थे प्योर का क्या मतलब होता है बार बार सेल्फिंग से अगर वही रिजल्ट आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा उसे हम बोलते हैं प्योर क्लियर हो गया ठीक है क्लियर है यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ यहां तक ठीक है हाँ ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर सेवन पेयर प्योरली अब देखो एक्सपेरिमेंट कैसे कराया पहले सुन लो ध्यान से ताकि आपको समझ आ जाए क्लियर है ध्यान से सुन लो बेटा यहां तक क्लियर होना चाहिए हाँ अब सुन लो ध्यान से क्या कराता सबसे पहले आपने क्या याद करना है मेंडल के काम का ईयर याद करना है किस ईयर में काम किया फिर आपने क्या याद करना है कब पब्लिश किया क्या रीजन था सक्सेस के वो कर लिए सेवन पेयर कैरेक्टर याद करके जाना नहीं तो क्या होगा क्वेश्चन गलत होगा प्रॉपरली याद करके जाएंगे उसके बाद मेंडल ने क्या किया एक्सपेरिमेंट कैसे कराया एक टॉल प्लांट लिया उसको ड्रॉ से क्रॉस कराया ठीक है क्लियर है तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे उसने एफ बोला तो पहले तो प्योर पेरेंट लिए तो जो एक्सपेरिमेंट था जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं वो मेंडल ने किस तरीके से किया सुन लो ध्यान से सबसे पहले मेंडल ने क्या किया एक प्योर टॉल लिया उसको क्रॉस कराया प्योर डॉर्फ से तो इनको उन्होंने क्या बोला बेटा ये जो लिए उन्होंने इसको उन्होंने क्या बोला ये मेरे पास उन्होंने क्या लिए ये पेरेंट लिए इनको उसने पेरेंटल बोला उसके बीच में क्रॉस कराया उसके बाद जो आया वो टॉल आया ठीक है फिर इसकी उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन की सेल्फिंग करी तो फिर टॉल आए और डॉर्फ आए तो आपको क्या करना है मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को ऐसे समझना है सुनेंगे ध्यान से मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उसे ऐसे समझना है सबसे पहले मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में किया गया पेरेंट का सिलेक्शन तो किस तरीके से पेरेंट सिलेक्ट किया हमने पीछे देखा सेवन पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वराइटी या हम बोल सकते हैं सेवन पेयर या फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग वराइटी ली सेकेंड स्टेप था क्रॉस क्रॉस कैसे कराया प्योर टॉल को क्रॉस कराया प्योर डॉर्फ से तो ऑब्जर्वेशन हमें याद रखनी है तो जो एफ वन जनरेशन आई मान लो वो टॉल आई तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एफ वन जनरेशन है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है यह पहली ऑब्जर्वेशन है पहली ऑब्जर्वेशन यह है कि F1 वन जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है F2 टू जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट कंप्लीटली F2 टू जनरेशन जो है वो दोनों पेरेंट से पूरी तरीके से मैच करती है मैं रिपीट कर रहा हूं F1 वन जनरेशन एफ वन जनरेशन जो है वो पूरी तरीके से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है F2 टू जनरेशन में जो भी प्रोजेनी आई वो इन दोनों से मैच कर रही है पर किसी पर्टिकुलर प्रोजेनी का नंबर ज्यादा है किसी एक जनरेशन रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है F2 टू जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट कंप्लीटली F2 टू जनरेशन की प्रोजेनी दोनों पेरेंट से मैच कर रही है तीसरी बात क्या है F2 में किसी एक का नंबर ज्यादा है तो जब भी आपने क्या किया देखो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यही था सबसे पहले क्या किया था उसने पेरेंट सिलेक्ट कर लिए दूसरा उसने क्रॉस कराया तीसरा थी ऑब्जर्वेशन ये वो ऑब्जर्वेशन है कि भाई एफ दोनों से मैच कर रही है सॉरी एफ एक से मैच कर रही है किसी एक से एफ दोनों से मैच कर रही है और F2 जो है बेटा मेरे पास F2 जो है ध्यान सुनेंगे F2 जो है उसमें किसी एक का नंबर ज्यादा है अब ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन जैसे कभी कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है आप चीजें सिलेक्ट करते हो और आप एपरेटर्स लेते हो फिर क्या कराते हो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो फिर आपकी आती है ऑब्जर्वेशन लास्ट चीज क्या आती है इन्फ्रेंस या कंक्लूजन तो कंक्लूजन क्या निकला वो ही मंडल के लॉ थे जो कंक्लूजनस निकले उन्हीं कंक्लूजन को बाद में साइंटिस्ट ने कार्ल कॉरेंस ने बेसिकली लॉ में कन्वर्ट किया है तो वो कंक्लूजन क्या थे वो सुनो पहले देखो कंक्लूजन ये था ध्यान से सुनना बेटा ध्यान से सुनना कंक्लूजन ये था कंक्लूजन ये था कि समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट मतलब ऐसा माना गया ध्यान से देखेंगे इस इस को। मान लो मेरे पास कैपिटल टी में कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे ये देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं फैक्टर कह रहा हूं तो मेंडल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था जैसे इसे मैंने फैक्टर लिख दिया मेंडल के अकॉर्डिंग ये जो था इसे वो फैक्टर मान रहा था तो मेंडल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था जो पेरेंट से बच्चे में गया अनचेंज मैनर बिना बदले देख रहे बिना बदले पेरेंट से बच्चे में आया तो पहला कंक्लूजन ये था जो एनसीआरटी लिखती है समथिंग बीइंग स्टेबली पास कुछ ऐसा बिना बदले पास हुआ कहां पास हुआ फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी पेरेंट से बच्चे में गया कहां से मेंडल ने उस समथिंग को क्या बोला फैक्टर बोला तो मेंडल के अकॉर्डिंग ध्यान से सुने मेंडल के अकॉर्डिंग ये फैक्टर थे देखो मेंडल को ये नहीं पता था जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया क्रोमोजोम की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी तो मेंडल को ये नहीं पता था कि क्रोमोजोम क्या होते हैं मेंडल ने एक इनविजिबल चीज अज्यूम करी जिसे फैक्टर बोला मेंडल ने कहा कि समथिंग बीइंग स्टेबली पास अनचेंज मैनर कुछ ऐसा है जो बिना बदले बिना बदले पास हो जाता है पेरेंट से प्रोजेनी में Mendel ने उस समथिंग को नाम दिया फैक्टर मेंडल के हिसाब से वो फैक्टर जोड़े में होते थे दूसरा वो मिक्स नहीं होते थे और f2 टू जनरेशन में f2 टू जनरेशन में वो वैसे के वैसे मुझे दोबारा से मिले आप देख रहे हो मिक्स नहीं होते थे तो वो फैक्टर जो थे आप समझो एफ टू में भी आ रहे हैं तो एनसीआरटी क्लियरली कहती है एनसीआरटी क्लियरली कहती है कि समथिंग स्टेबली मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी मेंटल के अकॉर्डिंग वो समथिंग फैक्टर है बाद में हम उसे जीन बोलते हैं लेटर हम उसे क्या बोलते हैं लेटर इट इज जीन उसे हम जीन बोलते हैं अब इस फैक्टर के क्या फीचर है फैक्टर जोड़े में होते हैं पेयर में होते हैं फैक्टर ट्रेट कंट्रोल करते हैं फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है व्हाट इज डिस्क्रीट यूनिट जैसे अगर मैं आपको कहूं ये मार्कर है ये मार्कर है क्या ये मिक्स हो गया नहीं अपनी इंडिविजुअलिटी अपने आप को बनाए रखे हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर हमारे पास क्या है एक डिस्क्रीट यूनिट है जो शो नहीं करता ब्लेंडिंग मिक्स नहीं होता तो मेंडल के फैक्टर के क्या क्या फीचर थे पहला वो फैक्टर जोड़े में होते थे पेयर में होते थे मिक्स नहीं होते थे क्लियर है अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते थे और ट्रेट कंट्रोल करते थे बाद में हमने जाना कि वही फैक्टर्स क्या है जीन है क्लियर है इसके बाद हम मेंडल के दो लॉ बना पाए जिसे हमने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे हम कहते हैं मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मतलब दो लॉ है मेंडल के एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या यहां तक क्लियर है एक लिख रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन वन पिटाई खाएगा फैक्टर प्रेजेंट इन पेयर यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का हमने रिवीजन करा दिया है जो बच्चे लेट जुड़े हैं ठीक है अब हम क्या पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनरेटेंस उसके बाद क्या पढ़ेंगे मॉलिकुलर पढ़ेंगे ठीक है बहुत बढ़िया हम्म ठीक है बेटा हाँ सही है हम्म ठीक है आ जाओ क्या आपको फैक्टर समझ में आ गया जोड़े में होता है तो अब यहां से हम क्या बना सकते हैं मैंडल के दो लॉ बना सकते हैं पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है फैक्टर्स अकर इन पेयर ये पॉइंट है देख लो फैक्टर जोड़े में होते हैं इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर मतलब बाद में हम सिंबल दे चुके थे इसे कैपिटल टी स्मॉल टी इन सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर कोई एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं मतलब अलग अलग पेयर में कोई एक खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा नो वट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन क्या है देखो आपके पास ये टॉल था और ये डॉर्फ था इससे हमने टॉल लिखा तो यहां पर दो फैक्टर थे मान लो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी इसको मैं यहां लाया तो ये कहता है कि ये जो फैक्टर है कैपिटल टी जिसे मैं एलील लिख रहा हूं सिंगल फैक्टर को ये स्मॉल टी को मैं एलील लिख रहा हूं ये यहां पर कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता क्या नहीं शो करता ब्लेंडिंग शो नहीं करता इसीलिए अगली जनरेशन में मुझे ये दोनों मिल गए नहीं तो ये दोनों नहीं मिलते बेटा अगर ये ब्लेंडिंग कर जाता तो मुझे कैसे मिलते फैक्टर यहां पर स्मॉल टी देखो ये वाला टॉल है और यहां वाले में एफ टू में आपको डॉर्फ मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्मॉल टी फैक्टर छुपा रह गया पर एक्सप्रेस नहीं किया ब्लेंड भी नहीं किया तो ये मुझे ऐसे का ऐसा रिकवर होएगा मतलब ये जो फैक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिक्स नहीं होंगे स्मॉल टी मुझे दोबारा रिकवर होगा एज सच ठीक है इसे कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ये जो फैक्टर है पेयर ऑफ फैक्टर ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग शो नहीं करते और ये मुझे देख रहे हो यहां दोबारा मिल गए यहां डॉर्फ है नहीं यहां डॉर्फ था तो यहां टॉल है यहां दोबारा से मेरे पास डॉर्फ आ गया इसका मतलब फैक्टर मिक्स नहीं हुए थे दूसरी चीज एनसीआरटी लिखती है कि, कि किसी भी इसमें जैसे मान लो ये टॉल है इसमें इस कैपिटल टी के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फिफ्टी परसेंट मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं किसी भी बच्चे में पेरेंट से फिफ्टी परसेंट चांस है कैपिटल टी आने के सोचो खुद से मान लो ये कितने भी पॉलन बनाए फिफ्टी परसेंट में ये वाला कैपिटल टी जाएगा ही ये चीज समझ में आ रही है फिफ्टी परसेंट चांस है क्लियर है बताओ जल्दी से बेटा बेटा अलील अभी बताए नहीं अलिल बताऊंगा एलील बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एलील बताऊंगा अभी आपको सिर्फ यह समझना है कि एलील या फैक्टर मिक्स नहीं होते वो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं और जब वो गैमेट फॉर्म करते हैं तो 50 परसेंट इन दोनों में से एक गैमेट में कोई एक जाएगा मतलब 50 परसेंट चांस है कि एक जाएगा एक गैमेट है ना क्लियर एक कह रहा है वेरी फनी बहुत पिटाई होगी हा लव फ्रॉम मार्स यस yes. हमने शिक्षा को मार्स तक पहुंचा दिया वहां आदमी पहुंचा नहीं है शिक्षा को हमने ज्यादा पहुंचा दिया नहीं इतना ज्यादा पहुंचा दिया कि मार्स से देख रहे हैं लोग वाह ठीक है बहुत ही बढ़िया है सही ठीक है अभी तक हमने क्या पढ़ा है क्या आप यहां तक समझ गए मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ईयर हेरिडिटी वेरिएशन के डेफिनेशन किस साल में काम पब्लिश किया क्यों मेंडल को सक्सेस मिला प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है सात कैरेक्टर कौन से लिए थे फिर ऑब्जर्वेशन क्या थी और इन्फ्लुंस क्या थे समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट ना ये चीज थी और उन्हीं इन्फ्लुस से हमने लॉ बनाए दो क्लियर है अब यहां से हम बात करने वाले क्लियर है यहां तक हा है ना चैट में आग लगा दो एकदम से इतनी इतने चैट करो पढ़ो मत है ना कुछ बच्चे ऐसे हैं पढ़ने अभी भी नहीं पढ़ रहे ठीक है हाँ अभी भी मत पढ़ो बेटा जिस दिन अठारह तारीख को पेपर होगा सुबह एन टी निकालना ठीक है उसकी पूजा करना ऐसे मस्त एकदम और फिर पढ़ना हाँ। है ना हाँ ठीक है बहुत ही सही हम्म कम से कम पढ़ो ठीक है पढ़ लो भाई हाँ। पेरेंट्स देख रहे होंगे पिटाई कर देंगे तुम्हारी किसी के पेरेंट्स देख रहे हो तो एक आध पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी आ जाओ भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखा रहा हूं इधर देखो सारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखो क्या होता है मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है मैं किसी एक कैरेक्टर को कंसीडर करता हूं देखो ध्यान से टॉल ये मैंने फैक्टर लिख दिया अभी मैंने अलील नहीं बताइए बताऊंगा अभी ये टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी ड्वार्फ, स्मॉल टी small टी एफ वन जनरेशन टॉल कैपिटल टी स्म टी ठीक है अब मुझे बताओ व्हाट इज एफ वन जनरेशन प्योर पेरेंट के क्रॉस के बाद जो एफ वन जनरेशन आती है वो हाइब्रिड होता है हाइब्रिड मतलब दोनों के कैरेक्टर आते हैं उसे एफ वन हाइब्रिड भी कह सकते हैं तो इसमें कितने फिनोटाइप है वट इज फिनोटाइप फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपियरेंस बाहर से कैसा दिखता है उसे फिनोटाइप कहते हैं बेटा जीनोटाइप होता है इंटरनल तो फिनोटाइप कितने एक जीनोटाइप कितना एक यहां पर अब मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं वट इज मीनिंग ऑफ सेल्फिंग ये टॉल प्लांट है ये वाला ये वाला भी टॉल प्लांट है इन्हीं दो या एक ही प्लांट ले लो देखो इसी प्लांट के इसी प्लांट पर मैं पॉलन बना रहा हूं और इसी प्लांट पर एग बना रहा हूं उनको आपस में फर्टिलाइज कर रहा हूं तो इस प्लांट के पॉलन कितने बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी इसी प्लांट के एग कितने बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी तो मैंने क्या किया एक बक्सा बनाया इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं ना व्हाट इज पनेट स्क्वायर पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन याद करेगा सब बच्चा पनेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनो अपने दिमाग में बिठाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनो तो पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का जो बक्से टाइप का स्ट्रक्चर है उसको पनेट स्क्वायर कहते हैं आरसी पनेट है ना रमेश चंद्र पनेट नहीं आरसी पनेट नहीं रमेश चंद्र नहीं है आरसी पनेट ने ये स्ट्रक्चर दिया था ब्रिटिश साइंटिस्ट है ये इन्होंने दिया था ये और ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल जीनो का जो भी जीनो है वो चीज ठीक है तो कैपिटल तो टी स्मॉल टी पॉलन लिख दिए इधर मान लो एग लिख दिया तो कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल स्मॉल टी स्मॉल टी तो पनेट स्क्वायर ये बताता है क्या बताता है जीनोटाइप बताने के लिए था वो तो हमने फीनोटाइप इसमें लिख दिया अब ये जो जनरेशन आई है ये एफ टू आई है एफ टू कब आती है सेल्फ पॉलिनेशन के बाद अब मुझे बताओ नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आए फिनोटाइप फिनोटाइप मतलब एक दो तीन टॉल नहीं टॉल को एक काउंट करेंगे और डॉर्फ को अलग तो कितने फिनोटाइप आए दो आए ठीक है उसमें टॉल कितने आए थ्री बाई फोर आए डॉर्फ कितने आए वन बाई टू आए ठीक है इसलिए फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई थ्री टू वन मैं रिपीट कर रहा हूं फिनोटाइप का नंबर का मतलब इन्हें तीन काउंट नहीं करना एक काउंट करना एक तरह का और इसे डॉर्फ तो तीन ये एक हो गए और ये तो दो टाइप के फिनोटाइप आए उसमें टॉल कितने थ्री बाई फोर डॉक्ट कितने वन बाई टू तो फिनोटिपिक रेशियो हो गई थ्री टू वन नंबर ऑफ जीनो टाइप कितने आ गए बेटा जीनो टाइप आ गए ठीक है देख लो कैपिटल टी कैपिटल टी एक जीनो टाइप ये है ये दोनों सेम जीनो टाइप है और ये अलग है तो कैपिटल टी कैपिटल टी जीनो टाइप है वन बाई फोर टू बाई फोर वन बाई फोर रेशियो आ गई वन टू वन है ना इसका मतलब आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सबसे पहले F1 वन जनरेशन में कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप आप कहोगे सर एक एक आएगा F2 टू जनरेशन में फिनोटाइप कितने कुछ बच्चे चार लिख देंगे उनकी पिटाई हो जाएगी फिनोटाइप के नंबर का मतलब होता है टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने तरह के होते हैं तो कितने तरह के हैं दो तरह के है ना दो तरह के हमारे पास ठीक है दो तरह के एक टॉल एक डॉर्फ है उनकी संख्या देखो हर चार में तीन हर दो में एक ठीक है जीनोटाइप कितने हैं बेटा तीन तरह के हैं तो जीनोटिपिक रेशियो कितने आ जाएगी वन टू वन है ना इस तरीके से जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी क्लियर है ठीक हां अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है सिंपल सा वट इज पनेट स्क्वायर डेफिनेशन में याद रखो पॉसिबल जीनो हां ठीक है क्लियर है याद रहेगा हाँ फिर रिपीट करेंगे नहीं अब करो आगे पढ़ते हैं देखो अब हमने क्या करा है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया अब मैं आपको टेस्ट क्रॉस बताने जा रहा हूं व्हाट इज टेस्ट क्रॉस भाई टेस्ट क्रॉस क्या होता है टेस्ट क्रॉस है ना वट इज टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या है ये क्रॉस है टू फाइंड अनोन जीनो क्रॉस टू फाइंड अननोन जीनोटाइप अननोन जीनोटाइप को पता करने के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं ठीक है क्लियर है इसमें क्या करते हैं जो भी आपको फिनोटाइप दे रखा है मान लो आपको टॉल दे रखा है उसको क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से और मुझे नहीं पता कि ये टॉल कौन सा है कैपिटल टी कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे इसका जीनो टाइप नहीं पता मैं पेरेंट से क्रॉस करा रहा हूं तो इसलिए मैं क्या करूंगा दो पॉसिबिलिटी लूंगा दो पॉसिबिलिटी लूंगा ध्यान देंगे दो पॉसिबिलिटी लूंगा पहली पॉसिबिलिटी मैं ये लूंगा कि मान लो वो होमोजाइगस टॉल था तो मेरे पास अगर मैं ऐसा करूंगा तो सारे टॉल आएंगे ऑल टॉल आएंगे इसका मतलब ये होमोजाइगस था तो होमोजाइगस की वजह से एक ही तरह के फिनोटाइप आएंगे लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस था हेट्रोजाइगस था तो मेरे पास 50% परसेंट टॉल और 50 इसके गैमेट कितने आएंगे ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इसके गैमेट स्मॉल टी स्मॉल टी तो मेरे पास 50% परसेंट क्या आ गए टॉल और 50% परसेंट क्या आ गए डॉर्फ आ गए इस रेशियो को लिखने का तरीका फिफ्टी परसेंट इज टू फिफ्टी परसेंट या आप वन इजू वन लिख सकते हो ठीक है क्योंकि टॉल कितने आए टॉल आए वन बाई टू डॉ कितने आए डॉर्फ आए वन बाई टू तो फिनोटाइप कितने आए हैं बेटा फिनोटाइप आए हैं दो और, और इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी वन बाई टू वन बाई टू से लिखोगे तो फिनोटिपिक रेशियो आएगी वन इज टू वन जीनोटाइप कितने आएंगे यह बड़ा अच्छा सवाल जीनोटाइप भी आएंगे दो ये और ये, ये भी वन बाई टू और यह भी वन बाई टू तो इसकी भी रेशियो वन इज वन जीनोटिपिक रेशियो तो टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हेट्रोजाइगस की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है पहला ऑब्जर्वेशन ये दिमाग में लेकर जाएंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है सेम आती है रेशियो क्या आती है सेम आती है क्लियर है आपकी एनसीआरटी ने ये दे रखा है मान लो इसने क्या किया हुआ होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस कराया और किससे क्रॉस कराया देख रहे हो किससे क्रॉस कराया बेटा सारे फ्लावर वायलेट आए हैं सारे फ्लावर वायलेट आने का मतलब ये जिससे भी क्रॉस कराया वो क्या था वो होमोजाइगस था और अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस से क्रॉस कराया मतलब डब्लू स्मॉल डब्लू से क्रॉस कराया तो 50 परसेंट वॉयलेट आए 50 परसेंट व्हाइट आए तो इसे टेस्ट क्रॉस बताया तो ये फ्लावर बना रखा है यहां पर इसके इधर वो दिखा रखा है सिंबल दिखा रखा है आपको ये डायग्राम बना आ जाएगा और इसके इस पर एरो डाल के गएगा इसका जीनो बताओ स्कूल में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा इसका जीनो बताओ और अगर आपको ये वाला दे दे बॉक्स बना के और ऐसा हो सकता है कि यहां पर सब में क्या बना दे पर्पल बना दे ऐसा क्वेश्चन आ जाए देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं देखो ऐसा नहीं होता है कि बेटा बोर्ड के क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है हम लोग बना सकते हैं ठीक है चलो बना देते हैं आपके लिए लाइव क्वेश्चन बना रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन भी बना रहे ना। आ ये मुझे नहीं पता फ्लार कैसा है ये फ्लार है इसका जीनो अननोन है जीनो क्या है अननोन इसको क्रॉस कराया रिसेसिव से रिसेसिव फ्लार मेरे पास वाइट है ठीक है अब यहां पर बॉक्स आया हुआ है उस बॉक्स में मेरे पास सारे फ्लार व्हाइट आ गए सारे फ्लार व्हाइट आ गए अब बताओ जरा मुझे इसका जीनोटाइप क्या होगा सुन लो ध्यान से इसका जीनोटाइप बताओ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये वायलेट है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वायलेट है और कैपिटल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइट है वन टू थ्री मैंने इसका इन तीनों में से कोई जीनो है इसका मैं आपको फिनोटाइप भी नहीं बता रहा हूं ठीक है मैंने क्रॉस कराया रिसेसिव से सारे वाइट आए हैं और रिसेसिव वाइट है मुझे बताओ कौन सा फिनोटाइप होगा अब बताओ देखें कौन बच्चा बताएगा कौन से वाला होगा भाई कौन से वाला होगा सावास आतिफ बढ़िया हां हां भाई हां सही हां यह आएगा थर्ड आएगा और अगर इसमें 50% परसेंट वाइट और 50% परसेंट वायलट आता तो फिर आप ये ले लेते और इसमें अगर सारे ही वायलट आते तो फिर आप ये ले लेते थर्ड आएगा समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन ठीक है ना हां क्लियर है तो डिपेंडिंग ऑन दिस ये फाइनल रिजल्ट आता है समझ आ रहा है तो आप ऐसा नहीं आंख बंद करके क्वेश्चन बनाओ अपना दिमाग ध्यान से सोच के बनाओगे क्वेश्चन बन जाएगा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास बस आप गलती क्या करोगे ध्यान से पढ़ोगे नहीं ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे काम करते हैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन ठीक है क्लियर है बेटा ठीक है अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं बेटा यहां पर हमने टेस्ट क्रॉस बता दिया आपको ठीक है हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया अब यहां पर एक दो चीज सुन लो ध्यान से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं गैमेट्स को लेके वो गैमेट वाला क्वेश्चन और देख लो ताकि अगर उसका कुछ आ जाएगा तो आप बना लेना मुझे इसके गैमेट्स बनाने को बोल दे कि कितने गैमेट्स आएंगे इसके गैमेट्स बोल दे बनाने को तो आप हमेशा गैमेट ऐसे बनाया करो एक पॉइंट लिया करो उस पर दो बनाओ अगर हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल तो टी स्मॉल टी फिर यहां से दो बनाओ कैपिटल आर स्मॉल आर यहां से दो बनाओ कैपिटल आर स्मॉल आर तो कितने गैमेट बनेंगे कितने हेट्रोजाइगस हैं टू की पावर टू चार चार गैमेट बनेंगे तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इससे मुश्किल वो क्वेश्चन देगा नहीं क्रॉस पे गैमेट निकालना ही दे सकता है सिर्फ ये गैमेट बन गए एक ये ले लो इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ और ये इसके साथ ठीक है क्लियर है ये पॉसिबल गैमेट बन गए मान लो मुझे इसके गैमेट बनाने हैं तो इसके गैमेट कैसे बनाओ एक पॉइंट लगाओ एक सिंगल लाइन खींचो क्योंकि होमो जाइगस है फिर यहां से दो लाइन खींचो कैपिटल आर स्मॉल आर तो दो ही गैमेट बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर ठीक है क्लियर अब ध्यान से सुने बेटा अगर मैं इसके गैमेट बना रहा हूं ध्यान से सुनो इसके गैमेट बना रहा हूं तो कितने आएंगे टू की पावर वन एक ही है तो कितने आ गए दो कैसे लिखूंगा इसको लिखो पहले कैपिटल टी इन दोनों में से एक ही आएगा इन दोनों में से एक ही फिर इसको लिख लो स्मॉल टी इन दोनों में से एक और ये यही दो गैमेट बनेंगे क्लियर है एक गलती जो बच्चे करेंगे किसी भी गैमेट में किसी कैरेक्टर के दोनों एलील या फैक्टर नहीं हो सकते आ रहा समझ तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हारे ध्यान सुनो बेटा तुम्हारे लेवल के हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन इस पे नहीं आएंगे क्रॉस के ज्यादा से ज्यादा मतलब सीबीएसई में जो पूछेगा वो गैमेट पूछ सकता आपसे कि कितने तरह के गैमेट बनेंगे ये सब क्लियर है बेटा ठीक है तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे इस पर क्लियर सही है आगे आ जाओ आगे आओ भाई अब यहां पे आ जाओ अब हम क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान सुने हमने जो ये देखो गैमेट वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो हाउ टू फाइंड गैमेट देख लो इस पेयर के कितने गैमेट बनेंगे आप देख सकते हो इस पेयर का एक गैमेट ये एक गैमेट ये इसके मेरे पास चार गैमेट बनेंगे दोनों में से एक एक कार है ना है ना कैसे बना रहे हैं आपको दिखा दिया फॉर्मूला ही है ठीक है फॉर्मूले पे नहीं जाना हमने ज्यादा हमें तो डायरेक्ट बात करनी है आपसे काम की ठीक है अब मैं यहां से आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने से पहले ध्यान सुनेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस देख लो अगर आपको अच्छा रहेगा डायहाइब्रिड क्रॉस देख लाना चाहिए देखो क्या है डाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है मैं दो कैरेक्टर कंसीडर करता हूं ध्यान से सुनेंगे दो कैरेक्टर कंसीडर करता हूं टॉल राउंड प्योर ले रखा है प्योर ले रखा है तो इसका एक ही गैमेट आएगा कौन सा गैमेट आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर ये इसका गैमेट है कैपिटल कैपिटल टी टी आर आर इसका गैमेट स्मॉल स्मॉल ये आ गया तो इसमें कितने फीनो टाइप आए एक कितने जीनो टाइप आए एक जीनो टाइप, एक। जीनो टाइप ये आ गया अब इसके कितने गैमेट बनेंगे चार सेल्फिंग कर रहा हूं इसके चार गैमेट बनेंगे यहां लिख दिए ये चार गैमेट हो सकता है मेरे पास क्या हो पॉलन ग्रेन हो बाकी के चार गैमेट एग सेल वो यहां लिख दिया फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और यहां पर जीनो टाइप लिखे तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिनोटाइप कितने आएंगे फिनोटाइप आएंगे चार फिनोटाइप कितने आएंगे बेटा चार आएंगे कौन से चार आएंगे एक आएगा टॉल राउंड टॉल राउंड दूसरा आएगा डॉर्फ राउंड तीसरा आएगा ड्वार्फ रिंकल्ड यहां पे लिख दिया मैंने टॉल रिंकल्ड और एक आ जाएगा मेरे पास ड्वार्फ रिंकल्ड अब ये इनकी रेशियो है आप देख लो ठीक है और जीनोटाइप कितने आएंगे जीनोटाइप आएंगे नौ हम यहां से निकाल सकते हैं ठीक है अब इनका अगर आप रेशियो लिखना चाहो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देखो इसको नाइन को लिखते हैं हम कैसे देखो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन की आप डायरेक्टली जीनोटिपिक रेशियो ऐसे लिखते हो इसको ऐसे तोड़ लो नाइन को थ्री को तोड़ो वन टू में इस थ्री को तोड़ो वन टू में और इसको वन लिख दो तो आपको याद रखना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें एफ वन जनरेशन में एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप एफ टू जनरेशन में फिनोटाइप कितने आएंगे चार फिनोटिपिक रेशियो नाइन थ्री थ्री वन जीनो कितने आएंगे नौ लिखने का तरीका इस नौ को तोड़ो वन टू टू फोर में चार ये हो गए थ्री को तोड़ो वन टू में वन टू और इधर वन टोटल ये नाइन तरह के जीनोटाइप आ रहे हैं क्लियर है ये आपकी डायहाइब्रिड क्रॉस है यहां से क्वेश्चंस आने के कम चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस वहां से क्वेश्चन आते हैं हम मूव करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस पे जहां से आपको क्लियरली चीजें समझा सके मैं तीन चीजें कंपेयर करने जा रहा हूं डोमिनेंस को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोकस करेंगे उस पर ठीक है फोकस करेंगे ध्यान से देखो उसके बाद में आपको एलील वगैरह की डेफिनेशन समझा रहा हूं ध्यान दो बेटा या एक काम करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलील समझ लेते हैं इधर देखो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड इसको पहले समझ लेते हैं फिर मूव करते हैं ध्यान देखो आपके पास ये क्रोमोजोम मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे दिस इज वन क्रोमोजोम ये होमोलोगस पेयर है ये इसका मान लो सेंट्रोमियर है ये होमोलोगस पेयर है मेरे पास हमेशा याद रखो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन होती है जैसे मान लो ब्लैक आई है तो जो ब्लैक आई के लिए जीन है तो यहीं पर आई कलर की जीन होगी यहीं पर आई कलर की दूसरी आई की हो सकती है सेम भी हो सकती है मान लो यहां पर ब्लू आई लिख दिया मैंने तो इसका मतलब यह होगा कि सेम कैरेक्टर कैरेक्टर क्या है आई कलर उसकी जीन ऐसे पैरल लोकेशन पर होती है इसे हम क्या बोलते हैं लोकस बोलते हैं क्या बोलते हैं लोकस बोलते हैं आप समझो या जीन लोकाई बोलते हैं तो एक लोकस का मतलब जीन फॉर सेम कैरेक्टर जीन फॉर सेम कैरेक्टर आप समझो ध्यान से उसे हम क्या बोल रहे हैं लोकस बोल रहे हैं जैसे मान लो यहां पर ब्राउन हेयर की जीन है आपके मान लो जो हेयर है मान लो ब्राउन है यहां ब्लैक हेयर की जीन है तो पैरल लोकेशन पर ही हेयर कलर होगा ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि यहां हेयर कलर हो यहां आई कलर हो ऐसा नहीं हो सकता पैरल लोकेशन पर होती है जीन ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं लोकस बोलते हैं तो आप जरा यह समझो कि ब्लैक आई एक जीन है ब्लैक आई क्या है जीन और उसका यह डीएनए है ऐसे ब्लू आई एक जीन है उसका अपना एक डीएनए है ऐसे अब होता क्या है ध्यान से सुनना बेटा ब्लैक आई की जो जीन का सीक्वेंस है उसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन से ब्लू आई बन जाती है तो अगर मैं आपसे कहूं कि वट इज ब्लैक आई एंड ब्लू आई तो मैं ये कहूंगा कि ब्लैक आई और ब्लू आई जीन है पर इसकी स्लाइट मॉडिफिकेशन से ब्लू आई बनी है। मतलब ब्लैक आई की स्लाइट मॉडिफिकेशन से ब्लू आई बनी है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं एलील नाम दे देते हैं एनसीआरटी ने मैं रिपीट करूंगा ब्लैक आई जीन है ब्लू आई भी जीन है ब्लैक आई वाली जीन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से एक फॉर्म बन गई है जिसे ब्लू आई कह दिया तो उसे मैंने एलील बोल दिया इसका इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि अल्टरनेट स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं नोन एज अलील तो मैं ये बोलूंगा कि ब्लैक आई जीन है ब्लू आई जीन है पर यह दोनों एलील भी हैं एलील यह नहीं होता कि एक जीन की दो एलील होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता जीन और एलील एक ही तरह की बात रिपीट करते हैं ध्यान से सुनेंगे मेरे पास ये क्रोमोजोम है इस पैरल लोकेशन को लोकस कहते हैं यहां पर ब्लैक आई है और ये ब्लू आई है इसके और इसके डीएनए में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है है इसलिए वो सेम की है। तो सेम कैरेक्टर कैरेक्टर की की तो जीन की हल्की सी मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं एलील बोलते हैं स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा एलील बोलते हैं स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म फॉर्म को तो हमने यहां पर यह बोला है ध्यान से सुनेंगे हमने यहां पर यह बोला है स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील मतलब ब्लैक आई जीन है ब्लू आई जीन है पर ये दोनों आपस में एलील है क्योंकि वो उसकी स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म है इसका मतलब मैं आपको ऐसा लिख सकता हूं देखो ब्लैक आई ब्लू आई ब्राउन आई ठीक है ग्रीन आई ये सब क्या है ये चार जीन है इनमें हल्का हल्का डिफरेंस है ये चार एलील भी हैं आपको समझ में आ रहा है पर किसी ह्यूमन में मैक्सिमम दो हो सकती हैं या एक भी हो सकती है मान लो यहां भी ब्लैक होता है यहां भी ब्लैक हो सकता था मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं दो हो सकती हैं पॉपुलेशन में खूब सारी हो सकती हैं तो आपको एलील वर्ड समझना है स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील जैसे टॉल और डॉर्फ ये दो एलील हैं किसी कैरेक्टर की जिसका नाम प्लांट हाइट है क्लियर क्या किसी कैरेक्टर की एक एलील भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है जैसे मैं एग्जांपल पढ़ाता भी हूं आपके कान की पोजीशन यहां है समझो ध्यान से यहां है क्या आपने कोई ह्यूमन देखा जिसके कान यहां होते हैं नहीं देखा इसका मतलब कान के पोजिशन की एक ही अलील है जो यहां है क्लियर है मान लो आपने दस लाख लोग देखे दस लाख लोगों में से कोई एक यहां मिला जिसके कान यहां थे तो आप कहोगे ये म्यूटेशन है लेकिन अगर सौ ऐसे मिले दस लाख में जिनके कान यहां थे तब आप कहोगे कान के पोजिशन की नई अलील आ गई इसका मतलब यह हुआ कि किसी कैरेक्टर की एक अलील भी हो सकती है ऐसा नहीं कि हर कैरेक्टर की दो अलील होंगी समझो इस बात को एलील का क्या मतलब होता है जीन की हल्की सी मॉडिफाइड फॉर्म जैसे मान लो आई कलर में अलग अलग फॉर्म मिल रही हैं वो अलील्स हैं आपस में क्या है एलील है वो जीन तो है ही एलील भी है क्लियर है समझ में आया बोलो बेटा हम्म यहां तक क्लियर है बताओ जल्दी ठीक यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ तो जीन और देखो आई कलर में आई कलर एक कैरेक्टर है ब्लैक आई एक जीन है ब्लू आई एक जीन है दोनों एक दूसरे की स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म है इसलिए एलील बोल रहे हैं ठीक है एलील कब बोलते हैं जब पॉपुलेशन में कोई चीज मिले जैसे मान लो मैं एक करोड़ लोगों में सिर्फ एक आदमी जिसकी आंख ब्लू है बाकी सबकी ब्लैक है तो फिर ब्लू को म्यूटेशन बोलेंगे एलील नहीं बोलेंगे एलील होने के लिए उसका होना चाहिए पॉपुलेशन में ठीक है डायहाइब्रिड क्रॉस दोबारा सिखा दू सिखा देता हूं पहले जरा देख लेते हैं एक बार बेटा देखो बेटा देखो तुम्हारे को ये वाला देखो जरा ये देखो इसे लोकस बोल रहे हैं लोकस क्या होता है ये पैरेलल लोकेशन तो कैपिटल ए स्मॉल ए का लोकस सेम है

जिनका सेम लोकस है मतलब कैरेक्टर सेम है बट डिफरेंट एलिल है वो आपस में क्या है डिफरेंट एलि है आपको समझ में आ रहा है अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है तो दो क्रोमोजोम होते हैं हर एक पेयर में होते हैं हैप्लॉइड होता है तो एक ही होता है तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑर्गेनिज्मिप्लॉइड है तो हर कैरेक्टर की दो एलील होंगी अगर कोई कैरेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड है तो मेरे पास सिर्फ ये एक सिंगल क्रोमोजोम होगा तो हर कैरेक्टर की एक एक एलील होगी ये समझ में आ रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए मीनिंग ऑफ लोकस ये जो पैरल लोकेशन हम लोग लिखते हैं पैरल लोकेशन ऑन क्रोमोजोम क्लियर है नंबर ऑफ जीन इन वन लोकस डिप्लॉइड में दो होंगी हेप्लॉइड में एक होंगी नंबर ऑफ डिफरेंट जीन इन होमोजाइगस अब ये होमोजाइगस है दिस इज होमोजाइगस ये होमोजाइगस है तो उसमें डिफरेंट जीन कितनी एक ही आएंगी हेट्रोजाइगस ये है दिस इज हेट्रो दिस इज हेट्रोजाइगस इसमें अलग अलग टाइप की कितनी आएंगी दो क्लियर है ठीक हाँ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं आपको आपको लोकस पता होना चाहिए एक लोकेशन को कहते हैं वो एक कैरेक्टर को बिलोंग करती है एक लोकस पर होमो होमोजाइगस भी हो सकता है हेट्रोजाइगस भी हो सकता है हेट्रोजाइगस पर दो जो जीन होती है उन्हें आपस में एलील बोल देते हैं बस इतनी बात समझ में आ रही है बोलो बेटा हा क्या मैं नीट दे सकता हूं अभी तू पहले बोर्ड दे ले भाई है ना बोर्ड देने के हालात नहीं है तू नीट देने जा रहा है गलत बात पढ़ ले पहले ठीक है मास्टर जो बता रहा है सुन ले ध्यान से हम्म बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना मैं बता देता हूं तेरे को देख ले ध्यान से पर जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने के क्वेश्चन कैसे आएंगे तेरे पास ठीक है वो मुश्किल आने चाहिए तेरे पे. ठीक है जैसे मान ले ये क्वेश्चन है तेरे पास इसको क्रॉस करा रहे हैं देख इधर देख ध्यान से देखियो इसको क्रॉस करा रहे हैं, अब मुझे बता इसके कितने गैमेट आएंगे एक ही आएगा टी और कैपिटल आर इसके गैमेट कितने आएंगे स्मॉल टी स्मॉल आर तो इन दोनों को अगर साथ लिख दूंगा तो कैसे लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर तो कितने फिनोटाइप आए एक जीनोटाइप कितने आए एक आ गया ठीक है अब मान लो मैं इसको क्रॉस कराता हूं ध्यान से देखना इसको क्रॉस करा रहा हूं इसके साथ तो इसके कितने गैमेट आएंगे इसके गैमेट आएंगे टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर दो ही गैमेट आएंगे और इसके कितने गैमेट आएंगे सिर्फ एक आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर तो अगर आप ध्यान से इसको बनाओ ड्रॉ करो तो आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर तो कितने फिनोटाइप आ गए दो आ गए और कितने जीनोटाइप आ गए दो ही जीनोटाइप आ गए ठीक है ऐसे लो मैं इसका क्रॉस बनाओ इसका क्रॉस बनाओ ये मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूं आप करोगे कैसे इसका क्रॉस बनाओ मुझे बताओ इसमें इसके कितने गैमेट आएंगे गैमेट गैमेट बताओ इसके कितने आएंगे इस वाले के दो आएंगे कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर और कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर इसके कितने गैमेट आएंगे स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर आएगा एक ही आएगा तो इसको इसके साथ एक बार क्रॉस कराओ और एक बार इसके साथ क्रॉस कराओ ऐसे करते हैं हम लोग क्लियर है सही है तो ये आपको बेटा मतलब एसस तो नहीं आएगा क्वेश्चन इसका ठीक है अब मैं आपको एक जरा क्वेश्चन बता देता हूं आप में जो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक बच्चे ने लिख दिया है तो कोई बात नहीं उसकी पूरी मदद की जाएगी क्योंकि तो बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको आज तो देखो भाई जरा आपको ऐसे करते हैं बेटा टॉल राउंड को क्रॉस कराते हैं डॉर फ्रिंकल से तो ये डॉर फ्रिंकल से जब क्रॉस कराते हैं तो ये प्योर लेते हैं कुछ बच्चे स्पाम कर रहे होंगे कुछ नहीं करना भाई स्पैम करोगे पिटाई कर दूंगा मैं ठीक है ये पेरेंटल है कुछ कहेंगे पिटाई कैसे करोगे तुम्हारे पेरेंट्स मेरी आवाज सुन लोगे कंटाप आएगा लगेगा एक उड़ता हुआ आएगा है हाँ ना हाँ वो मेरे साथ है <coughs> मेरे सपोर्ट में मास्टर पढ़ा रहे इतनी देर से देखो इधर ये आ जाएगा टॉल राउंड ठीक है तो यहां कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर सही है हाँ अबे फास्ट वाले पढ़ लो चुपचाप कराऊंगा सर आज टेंशन ना ले फास्ट से जरूरी है समझ ले फास्ट करा दूंगा कुछ नहीं आएगा समझ इसकी सेल्फिंग करनी है सेल्फिंग करने के लिए गैमेट बनाओ इसके कितने आएंगे चार आएंगे तो चार गैमेट बनाऊंगा मैं इसके तो चार गैमेट इंटू चार भाई चार गैमेट आएंगे सेल्फिंग कर रहा हूं उसको मल्टीप्लाई करूंगा चार गैमेट से तो इसका मतलब सोला बॉक्स बनेंगे तो वो जो सोला बॉक्स मैंने बनाए वो ऐसे बना दिए बाकी अब आप कर सकते हो खुद से डायब्रिड क्रॉस में ठीक है इस तरीके से मैं सिक्सटीन बॉक्स बनाऊंगा एक कैगस सर सिक्सटीन तो बने नहीं बना ले भाई क्या हो गया पूरे कर ले इसको ठीक है अब चार गैमेट कौन से आएंगे इसके ये रे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर चार गैमेट यहां लिख दे बेटा जिसको भी नहीं आता ऐसे करना होता है अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले फिनोटाइप तेरे आएंगे आएंगे चार चार देख लियो कैसे बता देता हूं ये जो आया टॉल राउंड आया इसी को इसी से क्रॉस कराना है तो टॉल राउंड को क्रॉस कराना है टॉल राउंड से ठीक है तो फिनोटाइप कितने आएंगे चार आएंगे चार कौन से आएंगे टॉल के साथ रिंकल्ड देखो सबसे पहले टॉल के साथ राउंड टॉल के साथ रिंकल्ड डॉर्फ के साथ राउंड और डॉर्फ के साथ रिंकल्ड ये चार आएंगे और जीनो कितने आएंगे नौ करके देखो बेटा खुद से करना पड़ेगा ऐसे नहीं जीनो क्या होते हैं जो ये बॉक्स के अंदर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे करके ये जीनो होते हैं फिनोटाइप क्या होते हैं टॉल राउंड करके ऐसे क्लियर है हा आ जाओ जरा आगे चलते हैं बेटा ठीक है क्लियर आगे चल रहे हैं टेस्ट क्रॉ वो पढ़ा रहा हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनस और क्या पढ़ा रहा हूं बेटा आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस और डोमिनेंस को रिलेट कर रहा हूं कृपया करके ध्यान से सुने भाई सुन लो ध्यान से मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं जिसमें डोमिनेंस लिख रहा हूं दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर इनकंप्लीट डोमिनेंस एक बच्चा कह रहा है सब कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हो हाँ वैसे तुझे बहुत आता है चैट में लिखने में मजा आ रहा है बस कितने और सेम आती है। जल्दी लिखो जरा चैट में कौन कौन लिखेगा लिखो जरा आंसर करो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आने वाले एग्जाम्पल बताओ जल्दी से जल्दी बताओ भाई कौन है चैट कर रहे हैं इधर जान दो ठीक है हाँ बताओ कौन है जरा जीनोटिपिक रेशियो सेम होती है कौन कौन है एक तो टेस्ट क्रॉस है दूसरा इनकम्प्लीट <laughs> डोमिनेंस हाँ जल्दी बोलो टेस्ट क्रॉस के अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक और है एक और है जल्दी बोलो एक और है कोडोमिनेंस दो में रुक गए इसलिए कह रहा हूं सुन लो देखो डोमिनेंस क्या होता है मेरे पास रेड फ्लावर है उसको क्रॉस कराया वाइट से अगर एफ वन में रेड आया है मतलब दोनों पेरेंट से किसी एक से मैच कर रहा है एफ वन उसे डोमिनेंस कहते हैं तो एफ वन क्या होगा एफ वन रिजेंबल आइजर ऑफ द पेरेंट यह मेंडल के अकॉर्डिंग बात है बेटा इसे डोमिनेंस कहते हैं यह अकॉर्डिंग टू मेंडल है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म है यह मेंडल के अकॉर्डिंग बात है मेरे पास ये रेड फ्लावर है इसको क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर से एफन जनरेशन पिंक आ गई तो वन जनरेशन जनरेशन नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट एनी वन ऑफ द पेरेंट इसको हमने क्या बोला बेटा इसको बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसमें क्या होगा हमारे पास दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा सही है और इंटरमीडिएट है दोनों का इंटरमीडिएट मतलब बीच का कुछ आ रहा है इंटरमीडिएट ऑफ बोथ ऐसा नहीं हरा आ गया पिंक आया दोनों का बीच का आया कुछ ऐसे ही मैंने मान लो को की बात करते हैं तो जब मैंने इसको क्रॉस कराया वाइट से तो मेरे पास जो फ्लार आया एफ जनरेशन जो आई उसमें कुछ ऐसा आया फ्लार में रेड और व्हाइट दोनों आ गए तो इसका मतलब एफ वन जनरेशन कुछ बच्चे डेफिनेशन लिख के आते हैं को डोमिनेंस की दोनों डोमिनेंस एफ एन जनरेशन रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट बोथ ऑफ द पेरेंट तो जब क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन पढ़ना ध्यान से कि वो आइदर लिख रहा है नन ऑफ द पेरेंट लिख रहा है कि बोथ लिख रहा है बोथ को को डोमिनेंस कहेंगे देख लो दोनों का फीचर आ रहा है ये डोमिनेंस है और ये इनकंप्लीट डोमिनेंस है क्या समझ में आ गया चलें आगे क्लियर है आगे चलें? देखो अब आ जाओ जरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल ये है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल ये है हमारे पास जिसे हम स्नैप ड्रैगन कह रहे हैं जिसे हम क्या लिख रहे हैं स्नैप ड्रैगन स्नैप ड्रैगन जिसका एक और नाम है एंटी रीनम मेजस इसमें तीन तरह के फ्लावर होते हैं या मैं लिख रहा हूं फोर ओ क्लॉक प्लांट जिसका एक और नाम है मिराबिलिस है ना ये नाम है इन दोनों में सेम तरह के फ्लावर होते हैं यहां पर हमने रेड फ्लावर को क्रॉस कराया वाइट से तो जो F1 वन जनरेशन आई पिंक आ गई इसका मतलब ये हुआ वो दोनों से मैच नहीं कर रहा और F2 टू जनरेशन देखो कैसे किया मैंने रेड को क्रॉस कराया है वाइट से तो जो F1 आई है वो पिंक आई है बेटा F1 मेरे पास क्या आ गई पिंक आ गई है अब मैंने उसकी क्या करी है सेल्फिंग करी है क्या करी है सेल्फिंग करी है ठीक है F1 की मैंने क्या करी बेटा सेल्फिंग तो, तो देखें जरा ध्यान से सेल्फिंग यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा तो ये वाला फ्लॉर तो रेड आया ये वाले दोनों पिंक आ गए ये वाले दोनों क्या आ गए पिंक आ गए और ये वाला मेरे पास क्या आ गया वाइट आ गया तो मेरे पास F2 टू जनरेशन में F2 टू जनरेशन में तीन फिनोटाइप आए हैं तीन फिनोटाइप आए हैं कौन कौन से रेड आया है पिंक आया है और वाइट आया है और इनकी रेशियो क्या है वन बाई फोर टू बाई फोर और वन बाई फोर तो रेशियो क्या आ गई वन इज टू टू इज टू वन फिनोटिपिक रेशियो है और अगर जीनोटिपिक रेशियो देखोगे यही आएगी तो जीनोटिपिक रेशियो भी यही आएगी बेटा यह भी यही आएगी वन इज टू इस्टू, टू इज टू वन तो इसका मतलब यह होगा कि F1 वन जनरेशन में तीन फिनोटाइप आते हैं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्योंकि तो F1 वन जनरेशन दोनों में से किसी से आ, मैच नहीं करता ठीक है क्लियर है सही है लाल फूल सफेद फूल है ना पीला फूल नहीं पिंक फूल है ना? और कुछ फूल बैठ के अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से ठीक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है वाई सम जीन्स आर डोमिनेंट ये पूछा गया है कुछ जीन्स डोमिनेंट क्यों होती हैं, है ना ये एक टॉपिक दे रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे तो सुन लो ध्यान से एनसीईआरटी क्या कहती है आपसे एनसीआरटी क्या कहती है ध्यान से सुनना भाई एनसीआरटी क्या कहती है आपसे ध्यान से सुन लो ठीक है एक सेकेंड रुकना बेटा एक सेकेंड देना बस सर जी पानी पीने नहीं गए इस फोन में चैट चला रखी है उसकी चार्जिंग लगा दूं नहीं तो कुछ ना सुनने का तुम्हारा फिर तुम पता नहीं क्या क्या बोलोगे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा चलो आ गए हम देखो सबसे पहले देखो जीन क्या करती है ये डीएनए है दिस इज जीन जीन क्या करती है जीन प्रोटीन बनाती है प्रोटीन फॉर्म करती है प्रोटीन क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है ठीक है अब हमारे पास ये डोमिनेंट अलील है जो डोमिनेंट अलील होती है उसमें अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती उसे हम लिखते हैं अनमोडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड अलील लिखते हैं मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए इस वजह से वो नॉर्मल एंजाइम बना सकती है एबल टू सिंथेसाइज नॉर्मल एंजाइम क्या बना सकती है नॉर्मल एंजाइम बनाती है उस वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है क्या एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है ध्यान से सुन लो बेटा मेरे पास ये डोमिनेंट अलील है डोमिनेंट अलील को हम लिखते हैं अनमोडिफाइड अलील जो क्या बनाती है नॉर्मल एंजाइम बनाती है जिसकी वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है ये वाली मेरे पास कौन सी अलील है ये रिस ध्यान से सुने बेटा ये जो है मेरे पास ये वाली अलील में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है मतलब म्यूटेशन हो गई है यह यहां पे तो इसको मैंने लिख दिया मॉडिफाइड अलील इसको क्या लिख दिया है? मैंने मॉडिफाइड अलील लिख दिया मॉडिफाइड अलील के पास दो ऑप्शन होते हैं अगर तो वो नॉर्मल एंजाइम बना दे या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दे तो मेरे पास क्या होगा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा अगर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया तो कोई चेंज नहीं होगा फिनोटाइप में इसका मतलब सारी म्यूटेशन से रिसेसिव एलील नहीं बनती लेकिन अगर वो कोई एंजाइम ना बनाए या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए उस केस में क्या होगा हमारे पास क्या होगा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा नॉट एक्सप्रेस तब मैं उस एलील को रिसेसिव बोलूंगा तब मैं उसको क्या बोलूंगा रिसेसिव बोलूंगा आप समझ लो ध्यान से जीन जो होती है वो कैसे काम करती है प्रोटीन बनाती है प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो कैरेक्टर दिखाते हैं मेरे पास डोमिनेंट एलील अनमोडिफाइड एलील होती है वो एं नॉर्मल एंजाइम बनाती है जिससे कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है मॉडिफिकेशन होती है म्यूटेशन से इसी की म्यूटेशन से कई बार क्या होता है मॉडिफिकेशन होने के बाद भी एंजाइम या तो नॉर्मल बनता है या लेस एफिशिएंट बनता है पर कैरेक्टर एक्सप्रेस कर जाता है इसलिए कोई चेंज नहीं होता फिनो में पर अगर मेरे पास कोई एंजाइम ना बने या नॉन फंक्शनल एंजाइम बने लेस एफिशिएंट नहीं लिखना चाहिए नो एंजाइम लिखना चाहिए या नॉन फंक्शनल लिख दे लेस एफिशिएंट तो ऊपर लिखा था नो no एंजाइम कर देते हैं या नॉन फंक्शनल कर देते हैं अच्छा ऐसे कैसे नॉन फंक्शनल कर देते हैं उससे क्या होगा कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस करेगा क्लियर है आ जाओ बताओ भाई हां अब इसको रिसेसिव बोलेंगे सही है बेटा तेरे कोई क्लास अटेंड करी मार्क्स नहीं आए रिवाइज कौन करेगा आज ये पढ़ के कल रिवाइज करना है तीन बार ऐसा थोड़ी कि खिला दिया तो उसके बाद डाइजेस्ट कौन करेगा इसे ये तो सिर्फ समझा रहा हूं कल जा बैठ के एनसीआर टी पढ़ जहां भी डाउट हो दोबारा देख लेक्चर को उस पार्ट को तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तो मतलब सर ने शक्ति दे दी ले बेटा वरदान आज जा आज ही तेरा सिलेक्शन हो जाए ऐसा ना होने का लेक्चर देख लो ध्यान से समझ लो सारा फिर एनसीआरटी पढ़ो जहां भी डाउट हो फिर से देखो और कंप्लीट करो ऐसे करना है इसे अभी समझना है सिर्फ हाँ कुछ तो सोच रहे सर वरदान दे रहे हैं यहां बिठा के हम्म ऐसा थोड़ी होता है ऐसा हो रहा होता है तो मैं क्या करता मैं बारह दिन का जागरण रख देता आपके लिए पूरा बारह दिन लगातार पढ़ाता रहता है आपको नीट में हो जाएगा सिलेक्शन आप भी तो रिवाइज करोगे आप नहीं करोगे है खुद नहीं करोगे कुछ भी बैक क्रॉस नहीं आएगा बेटा सिलेबस में नहीं है तेरे पास इन्हें ऐसा लगता है कि टीचर पे कोई जादू है जादू कैसे बेटा हम वो चीज पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारे बुक में है, समझा रहे हैं हमारे में और बुक में क्या फर्क होता है बस ये डिफरेंस होता है हम उसी काम को कम समय में कर सकते हैं जो बुक तुम खुद रीड करोगे बस इतना डिफरेंस होता है मान लो हम भी पढ़ा के तुम्हें कंफ्यूज करते हो तो क्या ही पढ़ा है फिर हमने आपको सिंपल समझो ये लिखा हुआ है एनसीआरटी में जीन से प्रोटीन बनती है अब ये मॉडिफाइड अन मोडिफाइड अलील एनजाइम बना सकती है नॉर्मल कई बार मॉडिफाइड अलील भी नॉर्मल और लेस एफिशियंट एंजाइम बना देती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर वो कोई एंजाइम ना बनाए या एंजाइम खराब बनाए तो फिर फर्क आएगा क्लियर है यहां तक समझ में आ रही है बेटा ठीक है ना एपिस्टाइटिस बेटा तेरे सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के पहले बता रहा हूं जो बच्चा एपिस्टाइटिस लिख रहा है नहीं पहले बता रहा हूं उसको जो चीज है नहीं उसको टाइम मत पास करो मेरे साथ उसका कोई फायदा नहीं होगा मैं बताऊंगा ही नहीं उसे आ जाओ भाई ये सब हमने बात कर ली आगे आ जाओ आगे आओ हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की को की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं को की आ जाओ हम बात कर रहे हैं बेटा को डोमिनेंस की जल्दी देखो आ गए को डोमिनस इसकी बात कर रहे हैं बेटा को डॉमिने गो डोमिन भाई को डोमिनेंस तो गो डोमिनस दिखा रहा है बताओ नया ही बना दिया इसमें चलो कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया चल को चल जाएगा कोडोमिनेंस देखो भाई बहुत अलीन पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है बोथ एलिल एक्सप्रेस कंप्लीटली पूरी तरीके से एक्सप्रेस करती है ऐसा नहीं कि कोई एक डोमिनेंट है कोई रिसेसिव है दूसरी बात इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए एग्जाम्पल में ए बी ब्लड ग्रुप उसके अलावा सिक्कल सेल अनिमिया का कैरियर जिसे एच बी ए और एच बी एस लिखते हैं इसका जो कैरियर होता है वो इसका एग्जाम्पल है ठीक है अब सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप की टोटल टोटल तीन अलील होती है बेटा टोटल कितनी अलील होती है तीन अलील होती है ब्लड ग्रुप की कौन सी तीन अलील हैलील का नाम आई ए है दूसरे का नाम आई बी है और तीसरे का नाम आई है तीन अलील होती है ब्लड ग्रुप की आईए आई बी और आई ध्यान से सुनना बेटा मेरे पास क्या होता है जीन आई की तीन अलील है एनसीआर ऐसे लिखते हैं जीन आई की तीन अलील है एक का नाम आई ए है दूसरे का नाम आई बी है और तीसरे का नाम आई है आई ए क्या करता है आरबीसी के सरफेस पर एक तरीके का शुगर पॉलीमर बनाता है तो इसका मतलब ये क्या बना है बेटा ये बना है शुगर पॉलीमर इस शुगर पॉलीमर को मेरे पास ए एंटीजन कहते हैं आई ए की वजह से बनता है ठीक है उसके बाद आई बी क्या करता है मेरे पास आरबीसी के सरफेस पर अलग तरह का शुगर पॉलीमर बनाता है ठीक है अलग तरह का शुगर पॉलीमर बनाता है तो यह शुगर पॉलीमर बनाया जो डिफरेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बी एंटीजन बोल रहे हैं और जो स्मॉल आई है वो नो no शुगर पॉलीमर नो शुगर पॉलीमर तो आपको ये समझ में आना चाहिए कितनी अलील है तीन अलील है अब मेरे पास क्या होती है आई ए डोमिनेंट है स्मॉल आई पर आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई पर आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है बोथ आई एंड आई बी डोमिनेंट है किस पे डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई नीचे लिख दिया उसको देख लेना एक बार नीचे की तरफ लिख दिया ऊपर होगा ना ठीक है और आईए और आई बी आपस में को डोमिनेस है आपको यह समझ में आनी चाहिए बात आईए डोमिनेंट है स्मॉल आई पर आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई पर और आईए आई बी आपस में को डोमिनेंस है तो आपके पास ये एक वो दे रखा है जो आपके पास टेबल दे रखी है उसमें आप समझ लो ध्यान से हमारे पास मान लो आई ए पेरेंट ए से आता है और यहां से आईए आता है तो मेरे पास ब्लड ग्रुप ए आएगा ठीक है ब्लड ग्रुप क्या आएगा ए आएगा ए बी के लिए एक पेरेंट से आई बी आना चाहिए दूसरे से आईए आएगा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ब्लड ग्रुप की कितनी अलील है ब्लड ग्रुप की मेरे पास तीन अलील है जब दो से ज्यादा अलील होती है तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं मल्टीपल एलील का मतलब होता है दो से ज्यादा होना किसी कैरेक्टर की दूसरा आईए और आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई पर ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी है और मेरे पास आई इज़ इक्वल टू आई बी यह को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं जो आपको ध्यान से सुननी है मेरी बात आई ए और आई बी जो है वो डोमिनेंस का एग्जाम्पल है आईए और आई बी आपस में को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है और यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्लड ग्रुप के टोटल सिक्स जीनो टाइप बनेंगे सिक्स जीनो टाइप कौन से बनेंगे बना लो खुद से एक बनेगा स्मॉल आई स्मॉल आई एक बनेगा आई ए आई बी और बनेगा आई ए के साथ स्मॉल आई और आई ए के साथ आई ए और एक बनेगा आई बी के साथ स्मॉल आई और आई बी के साथ आई बी छह छे जीनो टाइप है टोटल कितने फिनोटाइप है चार फिनोटाइप है कौन से फिनोटाइप है ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप और एबी ब्लड ग्रुप तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लड ग्रुप किसका किसका एग्जाम्पल है एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है एक डोमिनेंस का एग्जाम्पल है और एक को का एग्जाम्पल है टोटल कितने जीनो टाइप है छे. कितने फिनो टाइप है चार क्लियर है ठीक है क्लियर चले गए काफी सारे बच्चे निपट गए बस इतना ही पढ़ना था रो रहे थे इसलिए ठीक है पढ़े आ रहा समझ हाँ यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ यहां तक क्लियर आगे चलें ठीक है चलो बेटा देखो एग्जाम है और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि पूरा एफर्ट देना पड़ेगा आपको भी है ना आपको आज इसको रिवाइज भी करना है जाकर है ना रिवाइज भी करना है क्वेश्चंस भी बनाने हैं खुद से भी ठीक है हम करा रहे हैं आपको सारा समझाने के लिए क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है इट इज लाइक कि हम एक तरीके से चीजों को समराइज भी कर रहे हैं आपके लिए क्लियर है ठीक है अच्छा यहां पर मैं इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं एक हमारे पास होता है प्लीओट्रॉपी जो आपको आना चाहिए प्लियोट्रॉपी भी आपके सिलेबस में है वट इज प्लियोट्रॉपी बेटा प्लियोट्रॉपी क्या होता है आप सुन लो ध्यान से मेरे पास क्या होगा इस चीज को समझना है ध्यान से मेरे पास क्या होता है प्लियोट्रॉपी क्या होता है हमारे पास जब एक जीन के एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट होते हैं मतलब क्या हुआ जैसे मान लो मेरे पास ए कन्वर्ट हो रहा है बी में बी का अपना एक इफेक्ट है बी कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम टू की वजह से सी में उसका अपना कोई इफेक्ट है और यहां एंजाइम ईवन है तो जो जीन एंजाइम ईवन बनाती है वो प्लियोट्रॉपिक जीन होती है क्योंकि इस इस जीन की वजह से दो इफेक्ट कंट्रोल होते हैं ये और ये ध्यान से सुने बेटा ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी कन्वर्ट हो रहा है सी में क्लियर है ए कन्वर्ट हो रहा है बी में ध्यान से देखेंगे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी कन्वर्ट हो रहा है सी में मेरे पास जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो वो जीन होती है जो किसी मेटाबॉलिक पाथवे में स्टार्टिंग में आती है और उसके एक से ज्यादा इफेक्ट हैं इस जीन की वजह से ये दो इफेक्ट कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि ये एंजाइम इस जीन की वजह से बन रहा है तो प्लियोट्रॉपिक का मतलब होता है वेन वन जीन लोकाई वन जीन लोकाई हैव मोर देन वन मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसे हमने क्या बोल दिया है प्लीओट्रॉपी बोल दिया है, क्लियर है बताओ बेटा ठीक है क्लियर प्रशांत राजपूत कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है कोई सजेशन दो बेटा तू एक काम कर बोर्ड में स्कोर कर ले पैंतीस में से पैंतीस है ना हाँ सही है मान जा मेरी बात नलायक ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दे बात कर रहा है इधर देखो बेटा प्लियोट्रोपिक क्या होगा जब एक जीन लोकाई के एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट होते हैं जैसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं देखो मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है ये जीन है जो प्लियोट्रोपिक जीन है इस प्लियोट्रॉपिक जीन से मेरे पास क्या बना एक एंजाइम बना इस एंजाइम के एक से ज्यादा इफेक्ट है अगर एक से ज्यादा इफेक्ट है मतलब एक से ज्यादा फीनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है तो एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप अगर मल्टीपल फिनोटाइप कंट्रोल करे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीआरटी में दो दे रखे हैं एक दे रखा है पी के यू फिनाइल किटोन यूरिया और दूसरा दे रखा है स्टार्च सिंथेसिस की जीन स्टार्च सिंथेसिस की जीन दे रखा है दो एग्जाम्पल दे रखे ठीक है हा ठीक है हाँ। क्लियर हां ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। अभी आएगा लिंकेज आया नहीं भाई अभी आने वाला लिंकेज लिंकेज के चाहने वाले बैठे रहे बने रहे देखो। पहले पीके यू बता रहा हूं और पीके यू आगे नहीं बताएंगे क्योंकि यहीं पर बता रहे पी के यू है ना पीके यू क्या है फिनाइल किटोन यूरिया ध्यान से समझे हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम फिनाइल एलानिन है एलानिन पर फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए को फिनाइल एलानिन कहते हैं फिनाइल एलानिन पर अगर ओएच ग्रुप ऐड कर दूं ओएच ग्रुप ऐड कर दूं अभी केमिस्ट्री का पेपर हुआ है तो बच्चों को पता होगा हाइड्रोक्सीलेशन कहते हैं इसे ओएच ग्रुप ऐड करने से टायरोसिन अमीनो एसिड बनता है और टायरोसिन अमीनो एसिड के कई रोल होते हैं जैसे कि वो बनाता है टी3 एंड टी4 हार्मोन उसके अलावा वो क्या बनाता है मेलानिन बनाता है उसके अलावा वो क्या बनाता है बेटा मेलानिन के बाद वो क्या बनाता है मेलानिन के बाद वो हमारे पास बनाता है डोपामीन एड्रीनलिन ये सारी चीजें बनाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जीन जो जीन इस एंजाइम को बनाती है किसको हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को बनाती है उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं क्योंकि उसके देख रहे हो कितने सारे इफेक्ट है उसके देख रहे हो कितने सारे इफेक्ट है जो जीन इस एंजाइम को बनाती है जो ये स्टेप कराता है उसे हम क्या बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं अगर ये जीन डेफिशिएंट हो जाए ये जीन डेफिशिएंट हो जाए तो मेरे पास एक डिजीज होती है जिसमें फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरूविक एसिड में और वो यूरिन में आता है फिनाइल पायरिक एसिड में कीटोन ग्रुप होता है इसे कीटोन बॉडी कहते हैं और वो यूरिन में रिलीज होता है इसलिए इस डिजीज का नाम फिनाइल कीटोन यूरिया है और अदर सिम्टम जो आते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं सुन लो ध्यान से फिनाइल एलनिन कन्वर्ट हो गया है टाइरोसिन अमीनो एसिड में किसकी वजह से हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से यहां पर मेरे पास एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सिलेश अब ये जो टाइरोसिन है इसने T3 T4 बनाया इसने मेलानिन बनाया इसने डोपामिन बनाया इसने एड्रीन बनाया बनाया। इस जीन के मल्टीपल इफेक्ट हो गए इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया बेटा इसको हमने क्या बोल दिया प्लियोट्रॉपिक जीन बोल दिया अगर ये एंजाइम एबसेंट है कौन सा हाइड्रोक्सीस फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा ये कम हो जाएगा इसके ज्यादा होने से ये कन्वर्ट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड में जिसे हम कीटोन बॉडीज कह रहे हैं और वो यूरिन में आएगा क्योंकि एनसीआर लिखती है पुअर एब्जॉर्ब इन किडनी किडनी में वापसी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में आएगा और अदर सिम्टम में आएगा मेंटल रिटार्डेशन अदर सिम्टम में आएगा मेंटल रिटार्डेशन और आएगा बेटा मेरे पास मेंटल रिटार्डेशन के बाद और क्या आएगा मेरे पास ध्यान से सुनना बेटा मेंटल रिटार्डेशन के बाद सेकेंड आएगा मेरे पास डिक्रीज इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन तो ये मेरे पास क्या है किसका एग्जाम्पल है बेटा ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है फिनाइल किटोन यूरिया पर जो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम बनाने वाली जीन प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है क्लियर है हम्म हम्म पढ़ लो भाई अरविंद पटेल पिटाई आएगा पढ़ ले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना भाई तेरे सिलेबस में नहीं है जेनेटिक्स में आर एच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव सिलेबस में नहीं है तेरे जेनेटिक्स के ठीक है हाँ यहां तक क्लियर है एक पूछ रहा है क्या करे पढ़ाई कर भाई क्या करेगा तेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा सिर्फ पढ़ाई करना हाथ में आगे आ जा आगे टॉपिक जा रहे हैं उससे पहले ये देख लो फटाफट से पीके यू के बाद स्टार्च वाला दिखा देता हूं आपको मैं स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की जीन है सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं देखो मेरे पास मेरे पास एक जीन बी है एक जीन बी है इसकी दो एलील होती है एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है कैपिटल बी क्या करती है बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन बनाती है स्टार्च ग्रेन बनाती है लार्ज साइज के और यह बनाता है छोटे साइज के स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बनाता है कहां बनाता है पी सीड में अब देखो मैं क्रॉस करा रहा हूं मैंने क्रॉस कराया कैपिटल बी कैपिटल बी को स्मॉल बी स्मॉल बी से इसमें सीड राउंड आएगा राउंड क्यों आएगा क्योंकि स्टार्च ग्रेन बड़े बने हुए हैं स्टार्च ग्रेन कितने बने हुए हैं बड़े बने हुए लार्ज स्टार्च ग्रेन है और यहां पर मेरे पास क्या आ गया यहां पर मेरे पास रिंकल्ड आ गया रिंकल्ड का क्या मतलब है स्टार्च ग्रेन स्मॉल है स्टार्च ग्रेन कैसे हैं? स्मॉल है अब मैंने एफ वन देखा तो एफ वन में कैपिटल बी स्मॉल बी में इसके जैसा होना चाहिए था राउंड तो आया पर छोटा राउंड आया इंटरमीडिएट राउंड आया क्योंकि बड़े साइज के नहीं बने बेटा इंटरमीडिएट राउंड आया और मैंने जब इसकी सेल्फिंग करी ध्यान से सुनना मैंने जब इसकी सेल्फिंग करी तो मेरे पास मैं पनेट स्क्वायर दिखा रहा हूं इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी यहां पर जो आया बड़े साइज का राउंड आया ये छोटे साइज के राउंड आए ये रिंकल्ड आया तो अगर मैं आपसे कहता हूं मैं अगर आपसे कहता हूं कि सीड की शेप सीड की शेप को लिया जाए तो तीन राउंड आए हैं और एक रिंकल्ड आया है ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया डोमिनेंस हो गया अगर सीड की शेप को लिया जाए और अगर स्टार्च ग्रेन को लिया जाए कि स्टार्च ग्रेन कैसे बने तो एक बने लार्ज जो कि इसमें बने दो में बने इंटरमीडिएट बीच के साइज के और एक में बने स्मॉल क्लियर एक में क्या बने स्मॉल तो इसको हमने क्या बोल दिया इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से सुनना NCRT कहती है एक जीन है जिसका नाम बी है उसकी दो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्टार्च ग्रेन बनाती है जिसका साइज साइज बड़े size का है स्मॉल बी छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन बनाती है जब मैं इतने इन दोनों का क्रॉस कराया तो इसमें इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन आए इंटरमीडिएट का मतलब होता है ना बड़े ना छोटे अब इसको मैंने जब सेल्फिंग करी तो यह आया अगर मैं सीड की शेप देख रहा हूं तो डोमिनेंस है अगर मैं सीड का क्या देख रहा हूं मैं स्टार्च ग्रेन देख रहा हूं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका मतलब जीन भी दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं ये प्लियोट्रॉपी का क्यों एग्जाम्पल है थक गए नहीं थके हां भाई प्लियोट्रॉपी क्यों है एग्जाम्पल पता चला ठीक है हाँ बेटा इसको कंप्लीट करेंगे हम है ना हम्म हिंदी का एग्जाम है तो पढ़ाई करो किसने रोका तुम्हें इधर देखो भाई ठीक है तो आपके पास दो एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन को लेकर एक ये हो गया एक ये हो गया अब देखो अब आपको पॉलीजेनिक बता के क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बता रहा हूं ठीक है आओ जल्दी से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो एनसीआरटी क्या कहती है एनसीआरटी कहती है ध्यान से सुनना एनसीआरटी कहती है कि जैसे कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर था उसमें दो ट्रेट थी सिर्फ टॉल थी और डॉर्फ था सिर्फ दो ट्रेट थी ओनली टू ट्रेट पर क्या ह्यूमन हाइट में ऐसा होता है क्या ह्यूमन हाइट में ऐसा होता है ह्यूमन हाइट में मेरे पास रेंज होती है रेंज ऑफ ट्रेट होती है अलग अलग हाइट होती है ऐसा थोड़ी दो ही होती है बहुत एक बहुत टॉल एक डोर तो मेरे पास क्या होता है बेटा मेरे पास क्या होता है मेरे पास क्या होता है जैसे मैंने एक सेल बना दिया एक सेल बना दिया इसके अंदर मैंने क्या किया क्रोमोजोम बना दिए ऐसे मैंने क्रोमोजोम बना दिए अलग अलग मैंने क्या बना दिए क्रोमोजोम बना दिए और इन पर मैंने जींस बना दी इन पर मैंने क्या बना दी जींस मेरे पास क्या होता है बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एक से ज्यादा लोकाई से कंट्रोल होते हैं मतलब क्या हुआ यह कितनी लोकाई है तीन एक से ज्यादा लोकाई अगर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं पॉलीजेनिक का मतलब एक से ज्यादा लोकाई सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो हम यहां पर क्लियरली लिख रहे हैं वेन वेन मोर देन वन लोकाई मोर देन वन लोकाई क्या करेगी कंट्रोल सिंगल ट्रेट किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे हमने क्या बोल दिया बेटा उसे हमने पॉलीजेनिक बोल दिया क्या बोल दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल दिया उसे हमने क्या बोल दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल दिया तो हमने यहां पर क्या लिखा ह्यूमन हाइट लिखा जिसमें रेंज ऑफ ट्रेट है ठीक है व्हेन मोर देन वन लोकाई कंट्रोल कर रहा है सिंगल कैरेक्टर को तो उसको हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखा है हमने क्या लिखा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखा है क्लियर है यहां पर यहां तक समझ में आ रही है सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा उसे पॉलीजेनिक लिख रहे हैं ठीक है इसे हम क्या लिखते हैं बेटा क्वांटिटेटिव भी लिखते हैं मेरी बात समझना ध्यान से इसे हम क्या लिखते है? लिखते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी हैं इसका क्या मतलब है देखो एनसीआरटी कैसे समझाती है इस टॉपिक को एनसीआरटी कहती है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होता है सिर्फ है ना कैपिटल टी स्मॉल टी होता है टॉल डॉर्फ होता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें रेंज होती है जैसे कि ह्यूमन की हाइट ह्यूमन का स्किन कलर रेंज होती है अब ये रेंज कैसी आती है क्योंकि एक से ज्यादा लोकाई किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है मान लो यहां से थोड़ी सी मेलेनिन बनगा मेलेनिन क्या देता है स्किन कलर देता है इस वाले ने भी बना दिया इस वाले ने भी बना दिया तो जब अलग अलग जीन लोकाई कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कैरेक्टर को उसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं व्हाट इज क्वांटिटेटिव मतलब जितनी ज्यादा डोमिनेंट अलील यहां पर होंगी उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कैरेक्टर के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव कहते हैं क्लियर है ठीक हाँ. है ठीक है हाँ। क्लियर है यहां तक बेटा देखो पॉलीजेनिक का मतलब होता है एक से ज्यादा जीन लोकाई होना मल्टीपल एलील का मतलब होता है एक ही लोकाई पर दो से ज्यादा होना पर इसके लिए आपको एक से ज्यादा इंडिविजुअल लेना पड़ेगा मतलब आप में मतलब आप में मेरे में सब में देखेंगे तो अलग अलग आई कलर आएंगे लोकाई एक ही है मान लो पांचवें क्रोमोजोम की ये लोकेशन तो मल्टीपल एलील क्या होता है एक ही लोकाई पर दो से ज्यादा एलील होना अलग अलग इंडिविजुअल में उसको मल्टीपल एलील कहते हैं

अगर मैं आपसे कहूं कोई पर्सन कैपिटल ए कैपिटल ए है वो मान लो थोड़ा डार्क है तो कैपिटल ए स्मॉल ए थोड़ा लाइट हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट अलील है उसके हिसाब से कलर आ रहा है तो मेरा यह कहना है यहां पर इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट अलील है उतना कैरेक्टर आना यहां एक डोमिनेंट है कम कैरेक्टर आया दो डोमिनेंट है ज्यादा आया यहां पर दो डोमिनेंट है या एक है एक ही तरह का कैरेक्टर आया इसे क्वालिटेटिव कहते हैं इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं क्लियर है ठीक है क्या क्लियर है यहां तक क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए भाई इधर देखो जरा यहां पर आते हैं एक बार जरा मैं तभी आगे जाऊंगा जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ठीक है ये देखो ये देखो मैं लिख रहा हूं एक बार जल्दी से देखना बेटा इनको चाहिए डेफिनेशन लिख के इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं एफ वन इंटरमीडिएट है फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक के बराबर आती है स्नैप ड्रैगन और मिराबलेग्जाम्पल है को में आ गया को डोमिन का मतलब है मेरे पास क्या होना बेटा मेरे पास बोथ एक्सप्रेस करती हैं, उसको को हैं। इसका एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी पे दोनों शुगर पॉलीमर होंगे ए और बी दोनों के एंटीजन होंगे ये ए बी ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल हो गया उसके बाद प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट क्या इफेक्ट मल्टीपल फीनोटिपिक इफेक्ट एक जीन के इसका एग्जाम्पल क्या है पीकेयू, यू और एग्जाम्पल क्या है स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की जीन ठीक है कोई डाउट नहीं सर आगे मल्टीपल एलील मल्टीपल एलील का क्या मतलब होता है मल्टीपल एलील का मतलब है दो से ज्यादा एलील होना किसी भी ह्यूमन में तो दो ही हो सकती है मोर देन टू एलील किसी भी कैरेक्टर के लिए फॉर एनी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के लिए पर आप उसको एक इंडिविजुअल में देख नहीं सकते उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी जनसंख्या की जरूरत पड़ेगी जैसे आई कलर की जैसे मान लो ह्यूमन ए है ह्यूमन ए में मेरे पास ब्लैक आई है और ब्लू आई है दो आई हो गई ह्यूमन बी है उसी लोकेशन पर पांचवें क्रोमोसोम पे हो सकता है इसमें ब्राउन आई है और ब्लैक आई है इसमें दो है ह्यूमन सी है तो ह्यूमन सी में मान लो ब्लू आई है और मान लेते हैं रेड आई है तो अगर आप देखो अलग अलग टाइप की अलील हो गई कितनी हो गई काउंट कर लेते हैं मेरे पास एक ब्लैक हो गई एक ब्लू हो गई एक ब्राउन हो गई और एक रेड हो गई क्लियर है ये हो गई हमारे पास तो ये देख रहे हो आप हमारे पास चार तरह की अलील हो गई चार तरह की अलील हो गई तो इसे मल्टीपल अलील कह रहे हैं पर मुझे किसमें देखना पड़ेगा पॉपुलेशन में फिर हमने लिखा पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनमें रेंज मिलती है जैसे कि ह्यूमन हाइट ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक का मतलब होता है मोर देन वन जीन लोकाई कंट्रोल करेगा क्या कंट्रोल ट्रेट ट्रेट को कंट्रोल करें एक से ज्यादा जीन लोकाई किसको कंट्रोल करे ट्रेट को कंट्रोल करें उसको हम क्या बोलते हैं बेटा पॉलीजेनिक बोलते हैं एक से ज्यादा जीन लोकाई इसमें इसे हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलील मैटर करती नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती हैं क्लियर है, है? बेटा मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं समझाऊंगा नहीं तो कैसे होगा बता उड़ा दू सारा एक ही बार में देख अभी मोहम्मद रियान बेटा बताएंगे भी तो सही बेटा स्टार्च वाले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस है कोडोमिनेंस नहीं होता गलत पढ़ा आपने ठीक है क्लियर है हां ठीक है नेक्स्ट करो जल्दी से बेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब बता रहा हूं जिन बच्चों को डाउट हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो सारे पढ़ भी रहे हैं, तो पहले कुछ डाउट्स भी लेते हैं इनके आपके देखो मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो मान लो ये देखो ये टॉल है और ये भी टॉल है हाइट एग्जैक्टली सेम है एक मीटर एक मीटर इसमें कोई फर्क नहीं है जीनो में फर्क है फिनो में कोई फर्क नहीं है क्वालिटेटिव है क्वालिटेटिव है मान लो ये वाला मान लेते हैं यह वाला ध्यान से सुनो बेटा ये वाला टॉल होता जिसकी हाइट एक मीटर है और यह वाला मेरे पास सेमी टॉल होता जिसकी हाइट 0.75 सेंटीमीटर होती या मीटर होती तो इसका मतलब इन दोनों के फिनोटाइप में फर्क क्यों आया क्योंकि जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील है उतना कैरेक्टर एक्सप्रेस करा इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं जैसे ये पर्सन जो होगा ना यह सुनो बेटा ये, ये पर्सन जिसमें छह डोमिनेंट एलील है ये बिल्कुल डार्क कलर का होगा डार्क स्किन कलर होगा और ये पर्सन बिल्कुल व्हाइट स्किन कलर का होगा अब जैसे जैसे डोमिनेंट अलील इंक्रीज करेंगी ना मतलब जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं तो इसमें हल्का सा मेलेनिन आ जाएगा क्योंकि कितनी डोमिनेंट है एक मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां कितनी डोमिनेंट है दो डोमिनेंट है थोड़ा और मैलनिन आ जाएगा मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं अभी कितनी डोमिनेंट है तीन डोमिनेंट है तो थोड़ा और मैलनिन आ जाएगा तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं तो मेरे पास चीज आपको समझ आनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जितने ज्यादा डोमिनेंट रेट हो उतना कैरेक्टर एक्सप्रेस करे डोमिनेंट एक है कम एक्सप्रेस कर रहा है यहां पर क्वालिटेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट से फर्क नहीं पड़ता डन है ठीक है ठीक है अब मैं रिपीट करूंगा पॉलीजेनिक के लिए पॉलीजेनिक का मतलब होता है ध्यान से देखेंगे पॉलीजेनिक का मतलब होता है जिस बच्चे को डाउट है एनसीआरटी कहती है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनमें टॉल डॉल राउंड रिंकल नहीं होता आप ह्यूमन की हाइट देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक पांच फुट का एक सात फुट का है ऐसा तो नहीं होता रेंज होती है इस तरह के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन लोकाई होती है जितनी ज्यादा डोमिनेंट लील होगी उतना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है जिसे हम क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं क्लियर है ठीक है आगे चल रहे हैं अब मैं यहां से क्रोमोजोमल थ्योरी बताने जा रहा हूं मैं क्या बताने जा रहा हूं क्रोमोजोमल थ्योरी क्लियर है ध्यान से सुनो आप फोकस करो ठीक है क्लियर है चलो पांच मिनट का एक बार पानी पी लू मैं पांच मिनट रुकने फिर मैं इसको करा रहा हूं बेटा ये चैप्टर फिनिश करना जरूरी है ठीक है पांच मिनट रुके नहीं रुके क्रोमोजोमल थ्योरी बतानी दी पांच मिनट दो मुझे बस टाइम क्या हो रहा है इक्कीस पंद्रह इससे ज्यादा नहीं बेटा मैं यहीं पे हूं ऐसा नहीं कि नौ पंद्रह पांच मिनट लेने बस दो मिनट आपको पानी पी लें बस आपको कराना ठीक है ये सारा एक सेट में करा के इसको फिनिश करेंगे आप भी पानी पी लो ठीक है हाँ हो गए पांच मिनट तुम्हारे कुछ कहेंगे सर अभी तो हुए ही नहीं ये तो तीन मिनट हुए कोई बात नहीं हाँ मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड दोबारा बता दू ठीक है ठीक है सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री नहीं है बेटा सिलेबस में नहीं आएगा ना सिलेबस में नहीं है आएगा नहीं दो तीन बार पढ़ लेना जरूर से पैडिग्री बताऊंगा भी पहले इसको कंप्लीट करें फिर मोलिकुलर बेसिस पे जाएंगे पहले इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से ठीक है हाँ हाँ मैगी बना लो जो मैगी बना रहे मैगी बना लो मल्टीपल एलील बेटा एपीस्टाइटिस नहीं है सिलेबस में आपके सीबीएसई वाले में और एपीस्टाइटिस uh, नहीं पढ़ना आपने मल्टीपल एलील बता दिया किसी भी कैरेक्टर की मोर देन टू एलील हो पर वो आपको एक ह्यूमन में तो दो ही हो सकती है आपको मोर देन टू देखनी पड़ेगी ठीक है हाँ, मैं जस्ट आपके चैट देखकर आंसर कर रहा हूं प्लियोट्रॉपी नोट्स इसके बाद मिल जाएंगे स्टार्ट करते हैं फिर से हम्म हा ठीक है चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार मैंने क्या पढ़ा दिया आपको हमने मेंडल के मेंडल वाले टॉपिक को पढ़ाया उसमें क्रॉस के टॉपिक को कुछ बताया उसके बाद लॉ ऑफ लॉ लॉफ आपका आ, सेग्रीगेशन बताया अब उसके बाद हमने बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए कुछ बताया था फिर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डॉमिनेंस आपको टेस्ट क्रॉस बता दिया उसके बाद आपको बता दिया प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक और मल्टीपल एलिल मल्टीपल एल का मतलब होता है मोर देन टू एल किसी एक कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल पर ठीक है क्लियर है तो जैसा कि हमने वादा किया था स्टार्ट कर रहे हैं फिर से मैं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताने जा रहा हूं उसको बताने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए क्लियर करने हैं ध्यान से सुनेंगे आप लोग हम लोग बता रहे हैं आपको क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बता रहे हैं बेटा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं ध्यान से सुनेंगे जो आपको बताया जा रहा है ठीक है ध्यान से सुने बेटा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास जो थ्योरी है वो क्या है पहले समझो ध्यान से आप ये चीज समझो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है सुनो 1865 में मेंडल का काम पब्लिश हुआ था मेंडल के काम के कुछ ड्रॉबैक थे ड्रॉबैक क्या थे सुनना ध्यान से सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था पहले सुन लो ध्यान से आपको समझ आ जाएगा सुनो मेंडल के काम के ड्रॉबैक ये थे पहला ड्रॉबैक ये था कि मेंडल के काम में फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मिसिंग था मतलब यह नहीं पता था कि फैक्टर exactly कहां प्रेजेंट है पहला तो यह था दूसरा मेंडल ने मैथ्स और स्टैट्स यूज किया जिस वजह से काफी सारे साइंटिस्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया मेंडल ने फैक्टर को डिस्क्रीट यूनिट बोला सबसे पहले मेंडल ने फैक्टर को क्या बोला डिस्क्रीट यूनिट बोला जो मिक्स नहीं होता लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है मिक्सिंग हो गई मतलब क्या हुआ जैसे पेरेंट है दोनों पेरेंट के कुछ कैरेक्टर ऐसा लगता है दोनों के आ गए तो मेंडल ने कहा कि फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है जो मिक्स नहीं होता दूसरा उन्होंने क्या यूज किया मैथ्स यूज किया और स्टैट्स यूज किया जो उस समय के साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया ठीक है तीसरा उन्होंने क्या बोला बेटा तीसरा उन्होंने ये बोला कि मेंडल के काम में फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मिसिंग था क्या मिसिंग था फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाज मिसिंग कोई ऐसा ये नहीं पता था कि फैक्टर एग्जैक्टली exactly है कहां क्योंकि मेंडल ने अपना काम किया था बेटा जो जो वर्क किया था वो 1856 से 63 किया था उस समय तक क्रोमोजोम डिस्कवर नहीं थे तो मेंडल को ये नहीं पता था कि फैक्टर एग्जैक्टली exactly है कहां पर ये नहीं पता था मेंडल को आपको समझ आ रहा है मेंडल को एग्जैक्टली exactly ये नहीं पता था कि फैक्टर्स कहां प्रेजेंट है ये नहीं पता था ये चीज क्लियर है बेटा मेंडल को एक्जेक्टली exactly ये नहीं पता था कि फैक्टर्स कहां पर हैं तो और फोर्थ हम ये लिख सकते हैं कि उनका काम उतना सर्कुलेट नहीं हुआ नॉट वाइडली पब्लिस्ड है ना नॉट वाइडली पब्लिश लिखा हुआ है एनसीआरटी लिखती है इतना ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ तो मेरे पास ध्यान से सुनेंगे मेरे पास एक सीक्वेंस है कि नाइनटीन में मेंडल के काम की रिडिस्कवरी हुई है ना और 1901 के आसपास एक साइंटिस्ट थे बोवेरी उन्होंने क्या किया क्रोमोजोम जिसे हम कलर बॉडी कहते हैं क्रोमोजोम की डिटेल डिटेल का मतलब कि वो कैसे बिहेव करता है कैसे बिहेव करता है डिवीजन के टाइम पर वो डिटेल अवेलेबल हो गई मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनो बेटा देखो मेंडल का काम 1865 में पब्लिश हुआ पर रिजेक्ट सा हो गया 1900 में तीन साइंटिस्ट काल कॉरन टेस्मार को डीवरिस ने दोबारा खोजा 1901 के आसपास बोवेरी ने क्रोमोजोम के डिटेल जैसे कि कैसे वो मियोसिस करता वो डिटेल आ गई तो कहीं ना कहीं मेरे पास दोनों की डिटेल आ गई फैक्टर कैसे है काम करते हैं और क्रोमोजोम कैसे काम करते हैं तो सटेन एंड बोवेरी ने ध्यान से सुनेंगे सटेन एंड बोवेरी ने क्रोमोजोम बिहेवियर को मेंडल के फैक्टर से कंपेयर करके थ्योरी दी जिसे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं अगर आपको मैं इसको क्लियरली बताऊं कि किस तरीके से क्रोमोजोम और फैक्टर ने कैसे बिहेव किया ये दोनों में समानता पैरल बिहेवियर मिला तो बेसिकली क्या किया एनसीआरटी ने लिखा है कि सटन ने सटन नाम लिखा हुआ है तो एनसीआरटी लिखती है कि सटन और बोवेरी ने बेसिकली हम दोनों का नाम लिखेंगे सटन एंड बोवेरी ने क्या किया कंबाइन किया किसकी नॉलेज को कंबाइन क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल बिहेवियर किसके साथ मेंडेल के फैक्टर के नॉलेज के साथ मेंडेल की जो फैक्टर की नॉलेज आई उसके साथ कंबाइन कर दिया और एक थ्योरी बनाई जिसे हमने क्या बोला क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो आपने ये लिखना है कि क्रोमोजोम और फैक्टर का बिहेवियर पैरल होता है 1902 के आसपास तक हमारे पास क्रोमोजोम बिहेवियर की डिटेल आ गई थी और उसी के आसपास हमारे पास किसकी डिटेल आ गई थी फैक्टर की तो सटन एंड बोवेरी ने देखा कि फैक्टर भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे क्रोमोजोम बिहेव कर रहा है इसे उन्होंने नाम दिया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर है बेटा बताओ क्यों क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा क्लियर है क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो आप कहोगे क्रोमोजोम और फैक्टर का पैरेलल बिहेवियर प्रपोज किया था इस थ्योरी ने और यह बताया था कि फैक्टर जो हमारे पास किस में होते हैं क्रोमोजोम पे होते हैं और यहां पर एक, एक चार्ट है जो आपके काम का है वो ये है बेटा ये वाला आपके काम का है जिसमें एनसीआरटी ने क्लियरली दिखाया है कंपेरिजन किया है उसने कहा है कि फैक्टर और क्रोमोजोम दोनों पेयर में होते हैं पेयर में मतलब जैसे मान लो ये दोनों किसमें होते हैं पेयर में फैक्टर भी क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन तो जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम का पेयर कब अलग होता है गैमेट बनाते वक्त ऐसे ही फैक्टर जो अलग होते हैं गैमेट बनाते वक्त ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर वन पेयर देखो क्रोमोजोम का एक पेयर किसी दूसरे पेयर से हमेशा इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो ये गैमेट है।, है इस गैमेट के अंदर यह जा रहा है इसके साथ ये गया और इन दोनों में से कोई भी एक जा सकता है जैसे इन दोनों में से मान लो ये गया तो इन दोनों में से यह जा सकता है इसका मतलब एक पेयर ये पेयर इस पेयर से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहा है मतलब इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं कर रहा है लेकिन अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में क्या होता है जैसे मान लो मैं क्रोमोजोम ड्रॉ कर देता हूं क्रोमोजोम पर फैक्टर होते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी यहां पर कैपिटल ए और बी हमेशा साथ मूव करेंगे लेकिन अगर ये किसी और क्रोमोजोम पर होते कैपिटल डी स्मॉल डी इसका मतलब कैपिटल ए और कैपिटल डी साथ जा सकते हैं कैपिटल ए के साथ स्मॉल डी भी साथ जा सकता है तो एनसीआरटी का जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल ई दे आर डिपेंडेंट पेयर डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे निर्भर है कैपिटल ए स्मॉल ए और ये इंडिपेंडेंट पेयर है तो इसकी सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती आप समझ रहे हो इसकी सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती ये इंडिपेंडेंट पेयर है और यहां पर क्रोमोजोम के एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पे डिपेंड नहीं करती तो दोनों जोड़े में है ये भी जोड़े में है ये भी पेयर में है ये भी अलग होता है ये भी अलग होता है लेकिन ये इस पर डिपेंड है इस पर डिपेंड नहीं है क्लियर है पर क्रोमोजोम हमेशा इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करते हैं तो ये वाला क्रोमोजोम के लिए दे रखा है और ये वाला फैक्टर के लिए दे रखा है कुछ के मास्टर ने उल्टा लिखवाया होगा ध्यान रख लेना ठीक है क्लियर है मैं रिपीट कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनेंगे बच्चे जिनको इस पर डाउट है देखो ये क्रोमोजोम का पेयर है इसका अलग होना दूसरे पेयर के अलग होने पर डिपेंड नहीं करता दैट इज इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लेकिन अगर इस पर कैपिटल ए स्मॉल ए है कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ जाएंगे ना इसीलिए मैं कह रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल ए इस क्रोमोजोम पे है अगर दूसरे क्रोमोजोम पे कैपिटल डी स्मॉल डी है ये आपस में इंडिपेंडेंट है सेम क्रोमोजोम पर होने को लिंकेज कहते हैं इसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती हो जाएगा आर्यन बेटा आपको क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे ना पर ठीक है लिख देते हो सीधे नहीं आया मास्टर को कितना दुख होता होगा आ जाओ कोई पर बताएंगे आपको बता रहे चलो देख लो ध्यान से ये देखो ये देखो तुम्हारे पास ये सेल है ध्यान से देखना ये एक क्रोमोजोम ये है ये ये वाला पेयर है ठीक है एक पेयर ये है ध्यान से देखना गैमेट में एक मिनट रुको थोड़े शेप अलग कर देते दूसरा पेयर है बेटा देखो टाइम लेंगे आपको समझाना जरूरी है मुझे तुक्के यहां पे नहीं मारने हमने आपके लिए ठीक है मान लो मैं गैमेट बना रहा हूं तो जब मैं गैमेट बना रहा हूं तो ये गैमेट है ये गैमेट है मुझे बताओ इस येल्लो के साथ पिंक आ सकता है कि नहीं इस येल्लो के साथ पिंक आ सकता है बताओ जरा और येल्लो के साथ येल्लो के साथ व्हाइट भी आ सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये ये दोनों गैमेट में जा रहे थे तो इनमें से कौन सा इन गैमेट में आएगा इन दोनों में से कोई भी रैंडम ले आ सकता मतलब यह हुआ कि इनका इसमें आना इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इन दोनों में से इस देखो इसके अंदर मान लो ये येलो आ गया इस येलो के साथ इन दोनों में से एक बार पिंक आ गया एक बार ये आ गया तो इसकी सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन मतलब इसके अलग होने पर डिपेंड नहीं करती क्रोमोजोम के लिए है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं क्रोमोजोम ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से मुझे बताना जरा मैं इस तरीके से क्रोमोजोम ड्रॉ कर रहा हूं मैंने यहां पर एक फैक्टर लिख दिया जिसका नाम कैपिटल ए है दूसरा फैक्टर स्मॉल ए है यहां कैपिटल बी है और यहां स्मॉल बी है मैंने दूसरा क्रोमोजोम बना दिया ऐसे मैंने दूसरा क्रोमोजोम बना दिया ऐसे अब मुझे यह बताओ जरा आप खुद से सोच के बताओ यहां कैपिटल डी है स्मॉल डी है इन दोनों की मजबूरी है साथ जब भी जाएगा ये क्रोमोजोम इन दोनों को साथ ले जाएगा तो क्या ये फैक्टर में इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगी नहीं लेकिन हां इसकी इसके इनके साथ इंडिपेंडेंट हो सकती है मतलब कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी भी जा सकता है कैपिटल ए के साथ स्मॉल डी भी जा सकता है तो हम यही कह रहे हैं बेटा कि ये दोनों मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये डिपेंडेंट पेयर हैं ये कौन से पेयर है डिपेंडेंट पेयर है लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल डी ये इंडिपेंडेंट पेयर है ये समझना है हमने तो एक पेयर क्रोमोजोम के लिए हमेशा है कि क्रोमोजोम का एक पेयर दूसरे पेयर से हमेशा लग जाता है और यहां पर क्या है बेटा एक ये वाला पेयर जो है ये वाला पेयर इस वाले से क्या होगा इंडिपेंडेंट है क्लियर है ध्यान से देख लो बस ठीक है हाँ। यहां तक क्लियर है बच्चे क्लियर ये चीज समझो ध्यान से हाँ ये क्लियर होना चाहिए बेटा क्रोमोजोम की मूवमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होती है फैक्टर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि सेम क्रोमोजोम पे है कि नहीं यही क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी और यही डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा जैसे इस येलो वाले क्रोमोजोम के साथ आप देखो खुद से इस येलो वाले के साथ मेरे पास ये क्या चला गया रेड चला गया यहां पर इसके साथ ये देखो ये क्या कर रहा है ये मियोसिस दिखा रहा है ध्यान से देखो मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं ये वाला देखो ये डायग्राम है जो आपको दिखाएगा ये चीज देखो आप खुद से देखो खुद से देखना इस ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन आ गया है क्लियर है ठीक और इस येलो वाले के साथ रेड आ गया तो मेरे पास ये गैमेट्स बन गए यहां पर ऑरेंज वाले के साथ रेड आया है देखो और यहां इसके साथ है। इसका मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं एक बार ऑरेंज के साथ क्या आया है ग्रीन आया और एक बार ऑरेंज के साथ रेड आया है तो इसका मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं इसे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोजोम क्लियर है अब मैं आपको लिंकेज बताने जा रहा हूं अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछूं अगर क्वेश्चन आता है आपको स्कूल के एग्जाम में कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था यह क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अपनी एनसीआरटी चेक करो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दी थी क्रोमोजोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था तो मेरे पास आ जाएगा कौन मेरे पास आएगा टीएच मॉर्गन टीएच मॉर्गन ने दिया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे एक्सपेरिमेंट किया था

दूसरा इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं और क्या होता है बेटा इसकी लाइफ साइकिल दो वीक की होती है तो ये रीजन है मेरे पास और एक क्रॉस से बहुत सारे मतलब फ्लाइज बन जाते हैं ये रीजन है कि हमने ड्रोसोफिला लिया था तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थ्योरी को वेरीफाई किया एच मॉर्गन ने क्योंकि उन्होंने लिंकेज पे काम किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी तो मेरे पास क्या होगी अलग अलग क्रोमोजोम पे होने चाहिए फैक्टर क्लियर है ठीक है बेटा क्लियर हां यहां तक समझ में आ रहा है और आपको यह याद करने की ड्रोसोफिला क्यों लिया था क्योंकि ड्रोसोफिला में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं बेटा जो मेरे पास ध्यान से सुनेंगे ड्रोसोफिला में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमारे पास होते हैं जो बेसिकली क्या है जो मतलब आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप वगैरह में देख सकते हो आगे आओ जल्दी से आगे जा रहे हैं और अब हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा देखो लिंकेज के बारे में क्या पढ़ना हमने आ जाओ लिंकेज क्या है वट इज लिंकेज लिंकेज क्या है ध्यान से सुनना लिंकेज क्या है सबसे पहले समझो एनसीआरटी लिखती है कि टीएच मॉर्गन ने स्टडी करी थी लिंकेज पे स्टडीड लिंकेज किसके अंदर ड्रॉसोफिला के अंदर उसके लिए उन्होंने क्या किया था मैनी डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे मैनी क्या किए थे बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे किसके जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे सुन लो ध्यान से

क्रोमोजोम बनाया और ये इसके जैसा एक और बनाया ठीक है ठीके? एक क्रोमोजोम मैंने ये बनाया है और इसके जैसा एक और बनाया है ये ये देखो ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये जीवन फेज के होते हैं जीवन फेज का मतलब अभी ये डबल नहीं हुए होते ठीक है ठीके? अब सुनना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं जीवन फेज क्या होता है बेटा अभी उसमें एस फेज नहीं हुआ डीएनए डबल नहीं हुआ ये उसके क्रोमोजोम होते हैं ठीक है अब जरा देखो मैंने यहां पर कैपिटल टी लिखा मान लो यहां पर मैंने क्या लिख दिया कैपिटल आर लिख दिया मैंने यहां पर लिखा कैपिटल टी और मैंने यहां पर लिखा कैपिटल स्मॉल आर लिख दिया से देखना स्मॉल टी स्मॉल आर लिख दिया ठीक है यहां पर मैंने कैपिटल वाई लिख दिया और यहां पर स्मॉल वाई लिख दिया जो जीन सेम क्रोमोजोम पर होती है एक ही क्रोमोजोम पर होती है लिंक जीन कहते हैं लिंक्ड जीन कहती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं लिंक्ड जीन जो किस पर प्रेजेंट होती है सेम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम पर ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखो कि मेरे पास कैपिटल टी और कैपिटल आर ये लिंक जीन है और स्मॉल टी स्मॉल आर ये लिंक जीन है लिंक जीन का मतलब एक ही क्रोमोजोम पे होना लेकिन मेरे पास कैपिटल टी एंड कैपिटल वाई नॉट लिंक्ड तो जो लिंक नहीं होती वो क्या शो करती है इंडिपेंडेंट असॉटमेंट याद रहेगा याद करो हमने क्या पढ़ाया था डिपेंडेंट पेयर और इंडिपेंडेंट पेयर तो ये क्या शो करते हैं इंडिपेंडेंट असॉटमेंट मतलब क्या हुआ ये दोनों एक ही क्रोमोजोम पे तो हमेशा साथ मूव करना चाहेंगे साथ कब मूव करना चाहेंगे गैमेट में तो लिंक जीन वो होती है लिंकेज क्या होता है जिसमें लिंक जीन साथ जाना चाहती हैं लिंक जीन टेंड टू मूव टेंड टू मूव टुगेदर वो एक साथ जाना चाहती हैं कहां पर इन गैमेट में इसका मतलब गैमेट जब ये बनाएंगे सुन ले ध्यान से बेटा ये जब गैमेट बनाएंगे तो टी और आर साथ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर साथ जाएगा ये लिंकेज नहीं है तो ये क्या शो करेगा इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इसको मैं इस डायग्राम से दिखा सकता हूं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ये जो डायग्राम मैं दिखाने जा रहा हूं आपको ध्यान से देखें बेटा थोड़ा सा स्लाइड की संख्या बढ़ते हुए हां स्लाइड जब बढ़ जाती है तो थोड़ा स्लो हो जाता है सिस्टम हमारा ठीक है आ जाओ मुझे बताना देखो क्या आप ये समझ पा रहे हो क्रोमोजोम है यह उसका होमोलोगस पेयर है ठीक है यह और बनाया मैंने यह उसका होमोलोगस पेयर बनाया ठीक एक और ऐसे बना दिया और यह बना दिया ठीक है यहां मैंने जीनोटाइप लिखा है समझ लो पहले ध्यान से यहां जीनोटाइप लिखा है कैपिटल टी कैपिटल आर यहां जीनोटाइप लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर यह इसका जीनोटाइप लिखा है यहां पर जो कैपिटल टी जीन है और कैपिटल आर एक ही क्रोमोजोम पे स्मॉल टी स्मॉल आर एक ही क्रोमोजोम पे इसका मतलब ये लिंकेज है तो लिंकेज की वजह से जो इसके गैमेट्स बनेंगे गैमेट्स क्या आएंगे कैपिटल टी आर साथ चली जाएगी और स्मॉल टी और स्मॉल आर ये गैमेट्स आ गए दीज आर गैमेट्स इसका मतलब ये हुआ कि लिंक जीन गैमेट में साथ जाने की कोशिश करेगी लेकिन यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इसका क्या मतलब हुआ इसके गैमेट बनाते हैं इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जा सकता है कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर जा सकता है स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर तो इसे कहते हैं नो लिंकेज इस वजह से क्या होगी इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इस वजह से क्या होगी बेटा इस वजह से क्या होगी मेरे पास ज्यादा टाइप के गैमेट्स बनेंगे मोर टाइप ऑफ गैमेट ज्यादा टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे जिसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट नए कॉम्बिनेशन बनेंगे ठीक है रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे यहां पर क्या है आप देख रहे हो यहां पर क्या है मेरे पास ड्यू टू लिंकेज ड्यू टू लिंकेज मेरे पास क्या नहीं होगी इंडिपेंडेंट no असॉटमेंट क्या ये वाली बात इतनी समझ में आ गई वट इज लिंकेज सिंपल सा लॉजिक वट इज लिंकेज दो जीन एक ही क्रोमोजोम पे होना उसकी वजह से क्या होगा अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे वो दोनों जीन एक साथ जाना चाहती हैं गैमेट में वट इज लिंकेज ना होना अलग अलग क्रोमोजोम पे होना उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असोटमेंट क्या यहां तक समझ में आ रहा है क्लियर है यहां तक बोले क्या यहां तक क्लियर है हां यहां तक क्लियर है बेटा सिर्फ इतना समझ में आ गया वट इज लिंकेज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम उससे क्या होगा दोनों साथ मूव करेंगी उससे क्या होगा गैमेट्स अलग अलग टाइप के कम बनेंगे वट इज लिंकेज ना होना अलग अलग क्रोमोजोम पे होना उससे क्या होगा इंडिपेंडेंट असॉटमेंट होगी उससे क्या होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे यहां तक ठीक होना चाहिए ठीक है अब जरा ध्यान से सुनो बेटा इसका मतलब यह हुआ कि लिंकेज पढ़ने के लिए मुझे मिनिमम डाई हाइब्रिड क्रॉस चाहिए दूसरी चीज क्या है लिंकेज से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ध्यान से सुने बेटा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो मैं क्रॉस के थ्रू दिखाऊंगा आपको ध्यान से सुनेंगे मैं क्रॉस के थ्रू दिखाऊंगा मैं लिखता हूं लिंकेज ध्यान से देखें लिंकेज एबसेंट अगर लिंकेज एबसेंट है तो एक क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूं एक क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूं उसको देख लो और लिंकेज प्रेजेंट है उसको समझ लो इतना आ गया तो बस बात खत्म होगी यहां पर देखो लिंकेज एबसेंट मतलब ये हुआ देखना ध्यान से यहां कैपिटल टी यहां स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इसको क्रॉस कराया इससे इसके गैमेट बताओ कितने बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर चार बनेंगे इसके कितने बनेंगे एक ही बनेगा तो जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा देखो ये क्या है बेटा ये इसका जीनो टाइप ये टॉल राउंड है दिस इज टॉल राउंड एंड दिस वन इज डॉ रिंकल्ड ये पेरेंट्स हैं अब ध्यान से देखना इसको इसके बीच में फिल करते हैं फोकस करो मैं क्या करने वाला हूं इसके गैमेट्स मैंने लिख दिए ठीक है इसके गैमेट्स लिख दिए यहां पर यहां पर इसके गैमेट्स लिख दिए किसके लिखे हैं मैंने इस वाले के इस वाले के गैमेट ये लिखे और इसके चार गैमेट ये लिखे अब ये और पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया देखो ये टॉल राउंड है और ये डॉर फ्रिंकल्ड है तो ये किसके जैसा है ध्यान से देखो ये इनके जैसा है पेरेंट जैसा टॉल राउंड और डॉर फ्रिंकल इनके जैसा है अब टॉल के साथ क्या आ गया बेटा टॉल के साथ रिंकल्ड आ गया और डॉर्फ के साथ क्या आ गया डॉर्फ के साथ राउंड आ गया तो टॉल के साथ राउंड टॉल के साथ रिंकल्ड डॉर्फ के साथ राउंड डॉर्फ के साथ रिंकल्ड अब मेरी बात सुनना ध्यान से टॉल राउंड को डॉर्फ रिंकल्ड से क्रॉस कराया और लिंकेज नहीं है कोई लिंकेज नहीं है यहां पे। उस वजह से चार गैमेट बने और इसको मैंने लिख दिया ये दोनों बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं इन्हें पेरेंटल कहा जाता है लेकिन टॉल के साथ रिंकल्ड आ गया टॉल के साथ रिंकल्ड डॉर्फ के साथ राउंड इन्हें रिकॉम्बिनेंट कहते हैं ये दोनों क्या हो गए रिकॉम्बिनेंट हो गए रिकॉम्बिनेंट समझ में आता है नए कॉम्बिनेशन नए कॉम्बिनेशन हो गए तो आपको समझ में आना चाहिए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं लेकिन अगर मेरे पास लिंकेज होगी तो लिंकेज होने की वजह से क्या होगा ये देखो कैपिटल टी और यहां कैपिटल आर लिख दो स्मॉल टी स्मॉल आर लिख दो ये इसी को तो लिख रहा हूं जो यहां लिखा था वो ऐसा यहां लिखा लेकिन एक ही क्रोमोजोम पे लिंकेज है इसका भी क्रॉस बना दो इसी के साथ टेस्ट क्रॉस टाइप का अब मैं यहां पर आपको एक चीज दिखा रहा हूं ध्यान से देखना लिंकेज की वजह से इसके दो ही गैमेट आएंगे इसके दो ही गैमेट आएंगे उसके साथ मैंने इसके गैमेट लिख दिए तो ये टॉल राउंड था और ये क्या था डॉर फ्रिंकल्ड अब ये आपको समझ में आई तो सिर्फ मेरे पास टॉल राउंड आया और डॉर फ्रिंकल्ड आया इसका क्या मतलब निकलता है इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लिंकेज नहीं हो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट हो तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों आते हैं अगर लिंकेज हो तो पेरेंटल ज्यादा आता है रिकॉम्बिनेंट या तो नहीं आएगा या कम आएगा तो इसका मतलब यह हुआ लिंकेज क्या करती है लिंकेज डिक्रीज रिकॉम्बिनेंट या तो एबसेंट कर देगी या बिल्कुल कम कर देगी ठीक है लिंकेज इंक्रीज पेरेंटल टाइप जैसे ये दोनों पेरेंट से मैच कर रहे हैं इंक्रीज पेरेंटल टाइप क्या बढ़ा देगी पेरेंट जैसे बढ़ा देगी तो लिंकेज डिक्रीज करेगी रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज करती है पेरेंटल टाइप इंडिपेंडेंट असॉटमेंट रिकॉम्बिनेंट बढ़ाती है क्या यह बात क्लियर है ठीक है ईशान पढ़ ले बायो भी खराब हो जाएगा पूछ रहा है केमिस्ट्री कैसे गया मक्कार बालक मास्टर चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा है तू उल्टी सीधी बात कर रहा है क्लियर ठीक है लिंकेज क्या करता है बेटा हां लिंकेज क्या करता है पेरेंटल बढ़ा देता है रिकॉम्बिनेंट घटा देता है ठीक है क्लियर है हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बिल्कुल सही तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई लिंकेज का क्या अर्थ है लिंकेज का मतलब है कि दो जीन अलग अलग कैरेक्टर की सेम क्रोमोजोम पे लिंकेज की वजह से क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं होती लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं होती पेरेंटल बढ़ जाते हैं रिकॉमनेंट घट जाते हैं क्या तरीका है मैं अगर रिकॉम्बिनेंट बढ़ाना चाहूं ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या तरीका है अगर मैं रिकॉम्बिनेंट बढ़ाना चाहूं क्या तरीका है आप देख लेते हैं फटाफट से आ जाओ भाई आ जाओ फिर से जान लगाएंगे टॉपिक में देखेंगे ध्यान से कृपया करके ध्यान से पढ़ो सब लोग हाँ देखो भाई मैं कैसे करूंगा इसको ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग फोकस करो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे मैंने यहां पर क्रोमोसोम बनाए मैंने यहां पर क्रोमोजोम बनाए ये क्रोमोजोम जीवन फेज के हैं आपको पता होना चाहिए सेल साइकिल में एक जीवन फेज होता है उसके क्रोमोजोम है यहां कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है या कैपिटल आर है या स्मॉल आर है अगर मैं जी टू फेज करता हूं जी टू फेज का मतलब होता है सिस्टर क्रोमेटेड आ जाते हैं ऐसे ये डबल हो जाती हैं ये चीजें क्या हो जाती है डबल हो जाती है बेटा डबल का मतलब हो गया ये मेरे पास ये क्रोमेटेड डबल हो जाते हैं एक दूसरे की कॉपी बन जाते हैं वट इज मीनिंग ऑफ एक दूसरे की कॉपी ये कैपिटल टी है इसकी एक और कॉपी यहां बन जाती है यहां स्मॉल टी है तो यहां एक और कॉपी स्मॉल टी यहां कैपिटल आर तो यहां एक और कॉपी कैपिटल आर यहां स्मॉल आर तो यहां स्मॉल आर इसका मतलब यह हुआ कि ये और ये इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं ये कॉपी ऑफ ईच अदर होते हैं ये कौन सी फेज है ये G2 है G2 का मतलब डीएनए डबल हो गया अब यहां पर मियोसिस होती है इनकी मान लो मैं मियोसिस कर रहा हूं मियोसिस में क्या होगा ध्यान से देखो बेटा मुझे इसके गैमेट बताओ इसके अगर मैं गैमेट बताऊं ध्यान से सुनेंगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं मियोसिस होती है तो उसमें एक खास तरह का चेंज होता है वो चेंज कुछ इस तरीके का होता है वो चेंज कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ये क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें मेरे पास क्या होता है ये देखो जान से बेटा यहां कैपिटल टी है यहां क्या था कैपिटल आर यहां कैपिटल टी है ये कैपिटल आर इसके पास चला जाएगा यहां स्मॉल टी है स्मॉल टी यहां स्मॉल आर है अब ये स्मॉल आर यहां चला जाएगा इसका मतलब मेरे पास क्रॉसिंग ओवर की वजह से मेरे पास क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये कुछ हो जाएगा ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार बात है और समझ पा रहे हैं तो और भी बढ़िया ठीक है समझ पा रहे हैं तो आपको दो डबल स्टार ठीक है इधर देखो भाई अगर कैपिटल टी है ध्यान देंगे देखेंगे सब इधर कैपिटल टी है कैपिटल आर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल आर आ गया देख लो बदल गया स्मॉल 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 टी टी पे कैपिटल आर आ गया तो ये जो एक्सचेंज हुआ इसे क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती सुन लो ध्यान से बेटा अगर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती नो क्रॉसिंग ओवर होती अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो गैमेट बनते यही दोनों टी आर बनता और स्मॉल टी स्मॉल आर बनता लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गई क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक बनेगा टी आर और एक यहां पर है स्मॉल टी स्मॉल आर बाकी कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर इसका मतलब नए कॉम्बिनेशन बन गए तो इसमें से आपने समझा आपने एक बात समझी ध्यान से सुनेंगे आपने एक बात समझी अगर क्रोमोजोम पर जीन सेम क्रोमोजोम पर होती है तो उसे लिंकेज कहते हैं ये जीवन के क्रोमोजोम होते हैं डीएनए डबल होने के बाद जी टू में एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटेड आ जाते हैं जो सेम होते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो मेरे पास नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं लाइक इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन बनती है लिंकेज का मतलब है नए कॉम्बिनेशन एक ही क्रोमोजोम पे रहे नए कॉम्बिनेशन ना बने नए कॉम्बिनेशन कौन बना सकता है क्रॉसिंग ओवर बना सकता है यह बात भी हमें समझ आ गई तो नए कॉम्बिनेशन कौन बना सकता है बेटा क्रॉसिंग ओवर बना सकता है तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं ध्यान से सुनेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या कर सकता है क्रॉसिंग ओवर मेरे पास नए कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है फॉर्म करता है और अगर मैं आपसे क्लियरली एक डायग्राम दिखाकर पूछूं, आप बताना मुझे किसमें ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर होने के ये दो केस दिखा रहा हूं मैं आपको एक ये दिखा रहा हूं और एक ये दिखा रहा हूं कंपेयर करके बताना कंपेयर करके बताना कि किसमें ज्यादा चांस है देखो ध्यान से बहुत ध्यान से समझना मैंने यहां पर एक जीन यहां बना दी है कैपिटल टी सुनना ध्यान से मैंने एक जीन यहां बना दी है कैपिटल टी और यहां कैपिटल आर यहां कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर यहां पर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी small आर small 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 मेरा पॉइंट ये है ध्यान से सुनो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है क्योंकि लिंक जीन में डिस्टेंस ज्यादा है तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर हाई है लिंक जीन में डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में क्रॉस लगने के चांसेस कम है तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन बनी वो ये बनी पहला सबसे पहले क्या है लिंकेज क्या होती है बताओ लिंकेज होती है कि टू जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर सेम क्रोमोजोम पे होना डिफरेंट कैरेक्टर की दो जीन का सेम क्रोमोजोम पे होना उससे क्या होगा उससे होगा क्या ड्यू टू विच नो इंडिपेंडेंट असोटमेंट अकर अच्छा अगर मैं आपसे पूछू लिंकेज को कैसे कम कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से क्रॉसिंग ओवर क्या होती है नए कॉम्बिनेशन बनाती है तो क्रॉसिंग ओवर गिव न्यू कॉम्बिनेशन जो किसको ओवरकम करती है लिंकेज को जो ओवरकम करती है किसको लिंकेज को ओवरकम लिंकेज ठीक है तीसरा पॉइंट ये है मोर इज डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा किसके बीच में लिंक जीन के बीच में उतने ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर के मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतने ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर के क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? जल्दी बोलो ठीक है क्लियर है ये क्या सारे पॉइंट क्लियर ठीक है क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा क्या है? सारे पॉइंट क्लियर हैं सबसे पहले लिंकेज का मतलब जीन का सेम पे होना उसकी वजह से क्या होगा नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या देता है नए कॉम्बिनेशन देता है क्रॉसिंग ओवर के होने के चांस कब बढ़ जाते हैं डिस्टेंस की वजह से क्या ये क्लियर है ठीक है पहला पॉइंट क्या है लिंकेज का मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर प्लांट हाइट और सीड शेप की जीन एक ही क्रोमोजोम पे होना उसे लिंकेज कहते हैं तो इसका मतलब लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास रिकॉम्बिनेंट नए कॉम्बिनेशन ये समझ में आ रहा है उसके बाद लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर चांस मतलब कितना मौका है क्रॉसिंग ओवर होने का खुद से सोचो जितनी पास होगी जीन जितनी पास होगी ठीक है उतनी ज्यादा मतलब मोर क्लोज उतने ज्यादा क्या होंगे लेस चांस होंगे क्रॉसिंग ओवर होने के ठीक है क्लियर है ठीक है क्लियर है हाँ तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताया मैंने आपको यह बताया कि जींस जितनी पास होंगी जितनी पास होंगी उतने कम चांसेस हैं क्रॉसिंग ओवर होने के जितनी दूर होगी ज्यादा चांसेस हैं जितनी ज्यादा दूर होगी उतने ज्यादा क्या बनेंगे रिकॉम्बिनेंट तो रिकॉम्बिनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इसको लेकर एक वैज्ञानिक ने एक साइंटिस्ट ने स्केल बनाया था जिसको हम कहते हैं स्टल्टीवेंट तो स्टर्टीवेंट मॉर्गन पी मॉर्गन का स्टूडेंट था उसने बेटा एक स्केल बनाया था ध्यान से सुनो क्या बोलते हैं उसे ध्यान से देखो बेटा यही मेन टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा समय से सही से बताने दो ऐसा नहीं कि आपको टाइम पास करने के लिए देख रहे हो आप सब है ना तो मेरे पास क्या था बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टर्टी वेंट था वो थे स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन उनके अकॉर्डिंग क्या था चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितना चांस है क्रॉसिंग ओवर का वो परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट से उन्होंने रिप्रेजेंट किया और एक परसेंट रिकॉम्बिनेंट का मतलब एक यूनिट यूज करी उन्होंने जिसे उन्होंने बोला वन सेंटी मॉर्गन वन सेंटी मोर्गन ये बोला क्लियर है तो हमने क्या किया बेटा हमने क्या किया ये क्रोमोजोम ड्रॉ कर लिया ये हमने इस तरीके से क्रोमोजोम ड्रॉ कर लिया और इस क्रोमोजोम पे ध्यान देंगे इस क्रोमोजोम पे मान लो जीन्स बना दी ऐसे ये ए जीन है ये बी जीन है अगर मैं इसके बीच में ट्वेंटी सेंटी मॉर्गन एक सेकेंड बेटा एक सेकेंड अब ठीक है आवाज आ रही है जल्दी बताओ अब ठीक है आवाज आ रही है जल्दी बताओ अब लैग नहीं है बेटा एक बार चेक कर लो फटाफट से लैग नहीं है अब स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से जल्दी बता रहा हूं जल्दी बताओ अब ठीक है ना ओके okay. फाइन चलो जल्दी से अब मैं आपको एक क्रॉस बता रहा हूं जो ड्रॉसफ का है जो आपको आना चाहिए ठीक है देखो ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोजोम होते हैं ये सुन लो ड्रोसोफिला में टू एन इज इक्वल टू एट क्रोमोजोम है उसमें से क्रोमोज़ोम नॉर्मल है नॉर्मल का मतलब ऐसे ये छह क्रोमोजोम हो गए बाकी के दो क्रोमोजोम एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई क्रोमोजोम है आप समझ हो टोटल आठ क्रोमोजोम है तो ये नॉर्मल क्रोमोजोम को हम ऑटोजोम कहते हैं और ये मेरे पास एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं ध्यान से सुनना एनसीआरटी ने क्या किया हुआ है एक क्रॉस दिया है जिसमें ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोजोम पे तीन अलग अलग कैरेक्टर बताए हैं तीन अलग अलग कैरेक्टर बताए हैं ध्यान से देखेंगे बेटा ये वाला क्रॉस है जो आपका एनसीआरटी ने दिया है ध्यान से सुनेंगे क्लियर है ये वाला क्रॉस है जो एनसीआरटी ने दिया हुआ है आपके पास ठीक है एक में मेरे पास बॉडी है फिर आई है फिर विंग को लेकर उसने किया है। तो जो क्रॉस बनाया उसने उसने क्रॉस में क्या लिखा है बेटा बॉडी कलर फिर लिखा है आई कलर और फिर लिखा है मेरे पास विंग की शेप ये तीन अलग अलग कैरेक्टर एक्स क्रोमोजोम पे दिए जैसे बॉडी कलर के दो फीचर दे रखे हैं सुनना ध्यान से एक दे रखा है ब्राउन बॉडी जो कि डोमिनेंट है ब्राउन बॉडी कैसा है बेटा डोमिनेंट है और येलो बॉडी रिसेसिव है तो येलो बॉडी को अगर मैं वाई से लिख रहा हूं वाई से लिख रहा हूं तो ब्राउन बॉडी को वाई प्लस से लिख रहा हूं जो डोमिनेंट दिखाता है ऐसे ही आई कलर में दो है बेटा एक मेरे पास आई कलर में है वाइट आई सॉरी एक है रेड आई रेड आई डोमिनेंट है रेड आई कैसी है डोमिनेंट उसको दिखाने का तरीका है W प्लस क्योंकि वाइट आई को दिखाने का तरीका है W आप समझो प्लस का मतलब डोमिनेंट वाइल टाइप कहते हैं विंग में दो ऑप्शन है एक है नॉर्मल विंग और एक है छोटा विंग मिनिएचर विंग तो मिनिएचर विंग को दिखा रहे हैं डब्ल्यू से सॉरी एम से और इसको दिखा रहे हैं एम प्लस से क्या आप ये पहले कैरेक्टर याद करो सारे ड्रोसोफिला फ्लाई को कहते हैं उसमें आठ क्रोमोजोम है तीन नॉर्मल क्रोमोजोम है तीन पेर ऑटोजोम एक सेक्स क्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम पे तीन कैरेक्टर हैं बॉडी कलर आई कलर विंग की शेप बॉडी कलर की डोमिनेंट ट्रेट का नाम ब्राउन बॉडी है येलो बॉडी वाई से लिख रहे हैं ये रिसेसिव है बेटा ऐसे ही रिसेसिव वाले को वाई लिख रहे हैं तो ये वाई प्लस हो गया ऐसे ही वाइट आई रिसेसिव है तो रिसेसिव को किस से लिख रहे हैं डब्ल्यू से तो डोमिनेंट को डब्लू प्लस नॉर्मल विंग को एम प्लस से मिनिएचर विंग को एम से क्या इतनी चीज क्लियर है क्लियर रोहित प्रसाद बेटा तू जा सकता है अगर तेरे को स्लो लग रहा है तेरे को आता ही क्रॉस आता ही वाला बता चला बताओ पढ़ लेना इसको हम्म ये क्रॉस आता है ये तो बता नहीं आता ना पहले पढ़ लेना इसको याद कर पहले बॉडी कलर आई कलर विंग शेप ब्राउन बॉडी जो बॉडी कलर के दो कैरेक्टर है ब्राउन बॉडी येल्लो बॉडी आई कलर के दो कैरेक्टर है रेड आई व्हाइट आई विंग शेप के दो है नॉर्मल विंग विंग मिनिएचर पहले इसको याद कर हाँ, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये क्रॉस ही नहीं समझ में आना आपको ये देखो क्रॉस पहले क्रॉस की बात करते हैं ध्यान दो बेटा पहले क्रॉस की बात करते हैं जिस बच्चे को पहला क्रॉस समझना है देखें अब अग, अगर याद कर लिया आपने जितना मैंने बोला पहला क्रॉस देखो पहले क्रॉस में यह दे रखा है अब जरा देखो मैं आपको दिखाता हूं यह पहला क्रॉस कैसे बना है देखो पहला क्रॉस आपको क्लियरली दिख रहा है यहां इसने वाई और डब्ल्यू लिखा है और वाई और डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब यह फीमेल है यह फीमेल है होमोजाइगस वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई क्या था याद करो वाई क्या था येल्लो बॉडी और डब्ल्यू क्या था वाइट आई तो यह फीमेल हुई कि नहीं बताओ वाइट आई और ये दोनों एक्स क्रोमोजोम दे रखे हैं फीमेल हुई अब ये मेल देखो क्या था वाई प्लस और डब्लू प्लस दे रखा है तो वाई प्लस का मतलब ब्राउन बॉडी और रेड आई तो इसका मतलब क्या हुआ है आप, आप जब क्रॉस कराते हो नॉर्मल तो आप कैसे क्रॉस कराते हो याद करो आप क्रॉस ऐसे ही कराते हो ना कि पेरेंट में डोमिनेंट लेते हो एक देखो दिस इज डोमिनेंट इसको क्रॉस करा रहे हो रिसेसिव से दोनों होमो आप टाइप का ले रहे हो और इसमें ये वाई है ये नहीं देखते हम लोग तो आप देखो येलो बॉडी वाइट आई को क्रॉस करा रहे हैं ब्राउन बॉडी रेड आई से अब ये क्रॉस तभी समझ में आएगा जब आपने याद किया इसे जैसे वाई डब्ल्यू का क्या मतलब है वाई मतलब येलो बॉडी उसकी डोमिनेंट फॉर्म वाई प्लस डब्लू तो इसका मतलब क्रॉस ऐसे स्टार्ट होता है क्रॉस ऐसे स्टार्ट होता है कि हमने रिसेसिव फीमेल लिया है जिसमें दो एक्स क्रोमोजोम है उसको क्रॉस कराया है डोमिनेंट मेल से मतलब हमने क्या किया है वाई डब्लू वाई डब्लू वाली फीमेल ली है और उसको वाई प्लस डब्लू प्लस और फिर ये वाई क्रोमोजोम है इससे क्रॉस कराया है तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोजोम है एक येरा और एक येरा अब बनाओ क्रॉस तब बनेगा ये क्लियर है अब ये पर्पल लाइन क्या है ये वाई क्रोमोजोम है बेटा जिस बच्चे को नहीं पता चलता ये वाई क्रोमोजोम है दिस इज वाई क्रोमोजोम इसका क्रॉस में कोई रोल नहीं है वह खाली मेल फीमेल डिसाइड करता है क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पे है ये समझ में आया ठीक है अगर मुझे दूसरा क्रॉस बनाना है मान लो मुझे सेकंड क्रॉस बनाना ऐसे ही मैं लिखता हूं मैं आपसे कहता हूं सेकंड क्रॉस लिखो तो उसमें भी आपको रिसेसिव फीमेल लिखनी है तो रिसेसिव फीमेल में आप कैसे लिखोगे बताओ जरा डब्लू और एम लिखोगे W और एम लिखोगे उसको क्रॉस कराओगे डब्लू प्लस और एम प्लस से और वाइक्रोमोजोम रहेगा तो डब्लू का मतलब वाइट आई मिनिएचर विंग वाइट आई मिनिएचर विंग रेड आई नॉर्मल विंग ये सेकंड क्रॉस का है जो सेकंड क्रॉस बना हुआ है टी चेक कर लो अब जो एफ वन जनरेशन आई देखो क्या आई एफ वन जनरेशन कैसे आएगी ये एक्स क्रोमोजोम एक तो वाई के साथ जाएगा तो ये जो मेल आएगा वो कैसा आएगा मेल येलो बॉडी व्हाइट आई का आएगा मेल कैसा आएगा येलो बॉडी व्हाइट आई का एक एक्स क्रोमोजोम इसके साथ जाएगा पर उसमें क्या आएगा बेटा रेड देखो क्या आएगा ब्राउन बॉडी रेड आई आएगा अब ब्राउन बॉडी रेड आई डोमिनेंट है जिसे वाइल्ड टाइप लिख दिया है वाइल्ड टाइप का क्या मतलब है बेटा डोमिनेंट अब आप इसकी सेल्फिंग कराओ तो क्रॉस का रिजल्ट आ रहा है इस क्रॉस में मेन चीज यह समझनी है कि क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट एक पॉइंट तीन परसेंट आ रहे हैं लेकिन यहां पर देखो ये क्रॉस का मेन क्या क्या है इनके बीच का डिस्टेंस कम है और इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आए हैं जितना कम डिस्टेंस है उतने कम रिकॉम्बिनेंट आए हैं पहले इन दोनों को क्रॉस कराकर हमने देख रहे हो हमने जो क्रॉस कराया है ये उसका रिजल्ट बता रहा हूं मैं कैसे ले रहा है रिजल्ट कैसे ले रहा है वो बता रहा हूं आपको क्लियर है ये बताओ जल्दी से अरे क्लियर है ये जल्दी बताओ हर्षवर्धन ये तो पढ़ ले यार इसके आने के चांसेस कम है हो सकता है पर क्या आप कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हो पहला ड्रोसोफिला की जो एक्स क्रोमोजोम पे थे उस पर कितने कैरेक्टर लिए थे मॉर्गन ने तीन बॉडी कलर आई कलर विंग शेप बॉडी कलर में दो फॉर्म थी ब्राउन बॉडी येलो बॉडी आई कलर में रेड आई व्हाइट आई शेप में नॉर्मल विंग मिनिएचर विंग ये याद करो पहले क्रॉस में ये दो कैरेक्टर लिए अगले क्रॉस में ये दो कैरेक्टर लिए ये डिस्टेंस कम था इसलिए रिकॉम्बिनेंट एक पॉइंट तीन परसेंट आया ये डिस्टेंस ज्यादा था इसलिए रिकॉम्बिनेंट थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट आया सिर्फ इतना याद रख सकते हो हां इतना याद रख लोगे तो भी चल जाएगा नहीं आया समझ मैंने क्या किया सुन ध्यान से मैंने एक फीमेल ली जो रिसेसिव मुझे बता मुझे बॉडी कलर को लेकर रिसेसिव फीमेल चाहिए इसका मतलब फीमेल क्या होगी येलो बॉडी होगी आई कलर पे भी रिसेसिव चाहिए व्हाइट आई तो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल जिसमें दो एक्स एक्सक्रोमोजोम है उसको क्रॉस कराया डोमिनेंट से ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से ये क्रॉस है अब सेकंड क्रॉस में क्या किया होगा इन दोनों को लिया है आई कलर में क्या लिया होगा बेटा व्हाइट आई और मिनिएचर विंग फीमेल को क्रॉस कराया रेड आई नॉर्मल विंग से इतनी चीजें ध्यान रखनी है कोशिश करो नहीं आएगा तो फिर बताएंगे ठीक है अभी है एक दो दिन हमारे पास बिल्कुल दोबारा भी बता सकते हैं बेटा ठीक है ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बताएंगे आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है क्योंकि तो मैं यहां से इसको आगे लेके जा रहा हूं और मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं सेक्स डिटर्मिनेशन का ध्यान से सुन लो अगर आप उतना भी याद रख सकते हो कि दो कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस कम है डिस्टेंस कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट वन आया है और डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए रिकॉम्बिनेंट कितना आया है ज्यादा आया है ठीक है रो क्यों रहा भाई कुछ बच्चे रोने रोने का साइन बना रहे हैं क्यों पढ़ ले भाई यहां पे पढ़ो सेक्स डिटर्मिनेशन सुनो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले बेटा 1891 वैज्ञानिक का नाम हैंकिंग हैंकिंग एक्चुअल में क्या स्टडी कर रहे थे स्टडी कर रहे थे, थे स्परमेटोजेनेसिस किसमें कुछ इंसेक्ट में इन इंसेक्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया सुने ध्यान से उन्होंने यह ऑब्जर्व किया उन्होंने किया। किसने ऑब्जर्व किया हैंकिंग ने हैंकिंग ने यह ऑब्जर्व किया बेटा यह ऑब्जर्व किया हैंकिंग ने ध्यान से समझेंगे हैंकिंग ने यह ऑब्जर्व किया देखो हैंकिंग क्या पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे इंसेक्ट में समझना ध्यान से स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे इंसेक्ट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेल इंसेक्ट है वो दो तरह के स्पर्म बना रहा है एक स्पर्म में एक स्ट्रक्चर है दूसरे स्पर्म में नहीं है तो एक स्पर्म में एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने उन्हें एक्स क्रोमोजोम बोला एक्स क्रोमोजोम हैकिंग ने नहीं बोला था मैं रिपीट कर रहा हूं हैंकिंग स्टडी कर रहे थे स्पर्मेट की लाइन है इंसेक्ट्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 50 परसेंट इंसेक्ट में एक डेंस स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम एक्स बॉडी कहते हैं ठीक है क्लियर है तो बाद में पता चला ये एक्स बॉडी इज एक्स क्रोमोजोम ये किसने किया है अदर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया किसने अदर साइंटिस्ट ने प्रूव बाई अदर साइंटिस्ट अब हमारे पास क्या होता है बेटा क्रोमोजोम से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है मतलब क्या होता है क्रोमोजोम डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन मेल बनेगा फीमेल बनेगा आपके पास जो क्रोमोजोम वाली सेक्स डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे ध्यान से सुने मेरे पास टाइप आएगी सबसे पहली टाइप आएगी एक्स एक एक्स और एक्स वाई टाइप ये किसमें होता है ये एक तो ह्यूमन में होता है दूसरा ये किस में होता है ड्रोसोफिला में होता है ठीक है सेकंड लिखते हैं हम लोग एक्स 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 नॉट टाइप इसमें एक्स एक्स फीमेल है जो एक ही तरह के गैमेट बनाएगा एक्स वाई मेल है जो हेट्रोगेमेटिक है वट इज हेट्रोगेमेटिक दो तरह के गैमेट बनाएगा मतलब टू टाइप के स्पर्म बनाएगा अलग अलग टाइप के और यही डिसाइड करता है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इसमें ये फीमेल है और मेल जो है इसमें हेट्रोगेमेटिक है जिसमें हमारे पास क्या होगा बेटा जिसमें हमारे पास ओनली देख रहे हो इसमें वन क्रोमोजोम लेस है तो ये डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ इंडिविजुअल ये सेक्स ऑफ इंडिविजुअल ये डिसाइड करेगा है ना मेल डिसाइड करेगा थर्ड मेरे ये किस में होता है बेटा ये हमारे पास ग्रास ऑपर कॉक्रोच इसमें है आपने इंसेक्ट्स में याद रखना है और मेरे पास एक होता है जेड 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 किस इसमें यह किसमें मेरे पास बर्ड्स में होता है इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक है कौन डिसाइड करता है मेल और फीमेल बनेगा फीमेल के थ्रू डिसाइड होता है हमेशा याद रखो कि क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन में जो हेट्रोगेमेटिक होता है जैसे मान लो ह्यूमन में, में मेल फीमेल कौन डिसाइड करता है बताओ जल्दी से स्पर्म के थ्रू डिसाइड होता है तो कौन हेट्रोगेमेटिक है मेल अब हमारे पास इसमें एक्स एक्स एक्सनॉट ग्रास ऑपर में होता है इसमें हे है। मेल हेट्रोगेमेटिक है जेड 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 डब्ल्यू में फीमेल हेट्रोगेमेटिक है मेल डिसाइड नहीं करता इसमें और एक हमारे पास फोर्थ टाइप होती है जो हनी बी में होती है जिसे हैप्लोडिप्लोडी कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉयडी बोलते हैं बेटा देखो क्या है ध्यान से देखना हनी बी वाले में बेटा हम लोग हैप्लोडिप्लॉयडी बोल रहे हैं देख लो एक बार इसको देखो आप हनी बी का बता रहा हूं आपको फोकस करो जल्दी से देखो हनी बी में कैसे होता है हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है सोशल इंसेक्ट में तीन मेंबर है एक क्वीन है एक वर्कर है और एक हमारे पास ड्रोन है समझ रहे हो ये तीन मेंबर है एक हमारे पास क्या है क्वीन है एक हमारे पास वर्कर है एक ड्रोन है देखना ध्यान से बेटा सबसे पहले क्वीन क्वीन हमारे पास है क्वीन में कितने क्रोमोजोम होते हैं बताएगा कोई टू एन इज इक्वल टू थर्टी टू क्रोमोजोम होते हैं क्वीन क्या करती है क्वीन मियोसिस करती है मियोसिस से क्या बनाए उसने एक्सेल बनाए उसने क्या बनाया एक्सेल बनाए ठीक है हमारे पास ये ड्रोन है ये ड्रोन मेल है बेटा, ये ड्रोन हैप्लॉयड होता है एन इज इक्वल टू सिक्सटीन लिखते हैं ये माइटोसिस से स्पर्म बनाता है माइटोसिस से क्या बना रहा है ये स्पर्म बना रहा है अब अगर मैं इन दोनों को फर्टिलाइज कर रहा हूं तो जाइगोट बन रहा है जाइगोट में कितने क्रोमोजोम आ गए 32 आ गए इस जाइगोट से या तो हमारे पास क्वीन बनेगी या मेरे पास वर्कर बनेगा वर्कर स्टीराइल फीमेल होता है और क्वीन मेरे पास फर्टाइल फीमेल है अब मैं क्या कर सकता हूं इस एग से पार्थनोजेनेसिस के थ्रू मैं क्या बना सकता हूं ड्रोन बना सकता हूं ड्रोन कैसे बनाऊंगा पार्थनोजेनेसिस से तो एनसीआरटी कहती है कि जो ड्रोन है जो कि हेप्लॉइड है उसका कोई फादर नहीं है ड्रोन का क्या नहीं है ड्रोन नॉट है फादर। ड्रोन का क्या नहीं है फादर नहीं है। बट हैव ग्रैंड फादर पर उसका ग्रैंड फादर है कैसे ग्रैंड फादर है भाई ग्रैंड फादर कैसे है ड्रोन का क्योंकि इस क्वीन के ऊपर तो फादर है जैसे ये क्वीन है इसका फादर है ना ड्रोन ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा है ऐसे ही इस ड्रोन का फादर नहीं है डायरेक्टली क्वीन से बना है पर ग्रैंड फादर है क्लियर है इतना जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है एक, एक, एक है। सही है सही है बढ़िया सही है हां वैशाली बेटा, बिल्कुल करेंगे हाँ क्या यहां तक ठीक है क्या आप लोग की सेहत ठीक है आगे पढ़ सकते हैं हम हम सभी प्रकार के बच्चे सेहत ठीक है उनकी हाँ थक गए डर गए पढ़ लो देखो हमने क्या बढ़ाया सबसे पहले बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है उसमें हैंकिंग याद रखो 1891 याद रखो ये याद रखो कि कौन कौन हेट्रोगेमेटिक है किसमें क्लियर है बेटा स्टेट बोर्ड वालों के लिए सिलेबस नहीं करा रहे हैं करा तो रहे हैं है ना करा रहे हैं बिल्कुल ऐसे क्यों बोल रहे क्यों हमने इकोसिस्टम नहीं पढ़ा दिया कुछ में वो पढ़ा दिया क्या एनवायरमेंटल सारा सिलेबस करा तो दिया उसका कुछ से नहीं पढ़ेगा कुछ भी हाँ ड्रोसोफिला फिलअप एक सेपरेट वीडियो बहुत ही सही बनाएंगे ऐसा ना हो तुम तो लेक्चर ही देख लो सीधे आ जाओ जरा पेडिग्री बताते हैं फेवरेट बच्चों का आ जाओ वट इज पेडिग्री सुन लो ध्यान से आओ पेडिग्री पे आओ पेडिग्री आ जाओ भाई पेडिग्री वाले आ जाओ जो थे ध्यान से देखो जरा पेडिग्री में क्या आएगा क्वेश्चन पेडिग्री में सबसे पहले तो ये समझ लो पेडिग्री एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं पहले रीजन समझ लो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने का जो रीजन होता है रीजन ये होता है बेटा कि ह्यूमन में हम क्रॉस नहीं करा सकते कैसे देखो हम क्या करते हैं देखो मेरी बात एनसीआरटी क्या लिखती सीआरटी लिखती है कि बहुत सारे साइंटिस्ट को यह पता था कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिजीज और कैरेक्टर है जो जेनेटिक है तो ये चीज हमें पता था पहले से पता था तो रीजन पेडिग्री एनालिसिस का रीजन ये है कि इन ह्यूमन इन ह्यूमन रैंडम क्रॉस एंड कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी क्रॉस करा सकते हैं इज नॉट पॉसिबल तो हम क्या करते हैं ट्रेड को स्टडी करते हैं ट्रेड को क्या करते हैं स्टडी करते हैं किसमें स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं हम किसमें एनसिस्टर में एनसिस्टर्स एंसिस्टर में।, में हम ट्रेड को स्टडी करते हैं किसके थ्रू बाई फैमिली ट्री हम क्या करेंगे बेटा फैमिली के पर्सन से पूछेंगे और एक फैमिली ट्री बनाएंगे किसको कौन सी डिजीज थी उसे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं ह्यूमन में नॉर्मल क्रॉस नहीं करा सकते वैसे जैसे हमने बोला था भाई रैंडमली कुछ भी क्रॉस का ऐसा नहीं पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं किसी पर्सन को बुलाते हैं उससे जानकारी लेते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन सी डिजीज थी मामा को चाचा को दादा को ताऊ को मौसा को ऐसे करके और एक पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस में जो हम टाइप ऑफ ट्रेट पढ़ते हैं वो ट्रेट कौन कौन सी पढ़ते हैं वो सुन लो ध्यान से मेरे पास अगर ऑन वाई क्रोमोजोम है एक तो ट्रेट वो होती है जो वाई क्रोमोजोम पे हो वो ओनली इन मेल मिलेगी मतलब मेल टू मेल ट्रांसफर होगी दूसरी ऑन ऑटोजोम ऑटोजोम पर प्रेजेंट होती है उन्हें ऑटोजोमल कहते हैं इसमें दो तरह की होती है एक डोमिनेंट होती है डोमिनेंट का एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी यह डोमिनेंट का एग्जाम्पल है बेटा और एक होती है रिसेसिव रिसेसिव का एग्जाम्पल है मेरे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप से या सिक्कल सेल अनिमिया यह ऑटोजोम पर होती है सिक्कल सेल अनिमिया थैलेसीमिया यह सब ऑटोजोमल रिसेसिव है उसके अलावा सेक्स क्रोमोजोम पर होती है ऑन एक्स क्रोमोजोम यहां पर कौन सी डिजीज होती है यहां पर होती है एक तो कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस होती है और बताओ कौन सी होगी भाई कलर ब्लाइंडनेस के अलावा हमारे पास होती है हेमोफीलिया क्या यहां तक क्लियर है हम इन कैरेक्टर्स को चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं जिसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं क्योंकि रेंडम क्रॉस कराना पॉसिबल नहीं है क्या ये ठीक है वाह तुझे एनसीआरटी वालों पे अलग चाहिए क्लियर है, है बेटा हाँ ठीक है बहुत बढ़िया हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस ये सब मेरे पास सेक्स लिंग है आ जाओ भाई जरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हाँ क्वेश्चन दिखाते हैं देखो सबसे पहले ये सिंबल है यदि आप बक्सा बनाएंगे बक्से को कहेंगे मेल येरा सर्कल बनाएंगे फीमेल के लिए सिंबल है अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो ये नहीं बता रहे हैं कि मेल है कि फीमेल इसे कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड आपने क्या किया आपने अफेक्टेड इंडिविजुअल को दिखाने का मतलब डार्क कलर कर दिया दैट इज डार्क कर दिया तो इसका मतलब अफेक्टेड दिखा दिया मैरिज दिखाने के लिए आपने क्या दिखाया बेटा लाइन दिखा दी ऐसे डबल लाइन का मतलब कॉन्सेंजीनियस मैरिज कोई भी सिंबल आएगा इसमें इसके आने के बड़े हाई चांसेस होते हैं रिलेटिव्स के बीच में मैरिज अगर ये लाइन है तो ये मैरिज की हो गई उसके बाद ये दोनों बच्चे हो गए तो ये चिल्ड्रन बिलो उसके बाद क्या है ये अफेक्टेड बच्चे हैं दूसरा ये ऐसा बता दिया और इसमें डार्क नहीं किया तो फाइव अनअफेक्टेड। डार्क करके फाइव लिखता तो फाइव अफेक्टेड तो सिंबल क्या क्या है भाई देख लो दिस इज फीमेल दिस इज मेल दिस इज मैरिज ये बच्चे दिखा रहे हैं ऐसे ये दोनों सिस्टर हैं ठीक है प्रोजेनी हो गई अब ये रिलेटिव्स के बीच में मैरिज इसमें मैंने क्या दिखा दिया मान लो ऐसे करके लिख दिया मैंने कहा फाइव लिख दिया और डार्क कर दिया फाइव मेल अफेक्टेड ऐसा कर सकते हैं ये सिंबल हो गए अब मैं आपको पेडिग्री बनाना दिखा रहा हूं कैसे करना आपने ये दो पेडिग्री आपके एनसीआरटी में दे रखे हैं ठीक है उन पे डिस्कस करेंगे पर पहले या खुद भी बना लगे हुए आप तो पहले पहले ये देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं आह आ जाओ भाई घराने का नहीं पेडिग्री सीखने का देखो भाई सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैं सिंबल्स क्या यूज करता हूं मैं सिंबल्स यूज करता हूं पेडिग्री के नीचे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल ए अगर मैं ऑटोजोमल ट्रेड के लिए लेता हूं तो अगर मैं सेक्स लिंक ट्रेड के लिए लेता हूं सेक्स लिंक ट्रेड के लिए अगर मैं बनाता हूं तो मैं सिंबल यूज करता हूं एक्स एक्स और एक्स वाई एग्जाम्पल देखेंगे मैंने क्या किया है पेडिग्री बनाया ये। ध्यान दे बेटा मैंने ये पेडिग्री बनाया मैंने कहा ये पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस का है ये पेडिग्री मैंने कहा कलर ब्लाइंडनेस का है ठीक है मैंने कहा ये पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस का है तो मैंने यहां पर क्या किया है देखेंगे ध्यान देंगे देखें देखो मैंने इसको फीमेल को अफेक्टेड बना दिया तो जैसे ही फीमेल मैंने ये देखो कलर ब्लाइंडनेस के लिए मान लो मेरे को जीनो टाइप लिखने पड़ेंगे ठीक है क्लियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए मुझे जीनो टाइप लिखने पड़ेंगे तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं ध्यान से सुनना ठीक है ध्यान से देखो बेटा मैंने क्या किया हुआ है? ध्यान से देखो ये देखो मान लो ये कलर ब्लाइंडनेस का है कलर ब्लाइंडनेस क्या है बताओ जरा मुझे सेक्स लिंगड है क्या है सेक्स लिंक्ड? अब सेक्स लिंक का मतलब क्या हो गया जो डार्क सर्कल हैं, वो अफेक्टेड होती हैं अफेक्टेड फीमेल है तो उसके जीनो में आप Xc Xc लिखोगे आप देख लो ये और अगर मैंने बॉक्स बनाया अफेक्टेड मेल का ऐसे अफेक्टेड मेल में Xc और वाई लिखोगे एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है तो जब भी आपको सेक्स लिंग बनाने हैं तो ये सिंबल यूज करने होते हैं तो जैसे ये अफेक्टेड फीमेल है तो Xc एक्स सी लिखूंगा नॉर्मल मेल एक्स वाई लिखूंगा अब अफेक्टेड फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होते हैं एक्सी वाई xcy यहां पर क्या करूंगा मैं यहां पर लिखूंगा x xc कैरियर आप देख रहे हो x एकस xc कैरियर ये नॉर्मल मेल है आप देख रहे हो नॉर्मल मेल है तो ये भी हमारे पास नॉर्मल मेल आ गया ये देखो जरा बेटा ये अफेक्टेड कैसे आ सकती है ये xc और xc है इसके लिए इस फीमेल में एक xc होना जरूरी है तब तभी आएगा तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये वाले सिंबल तब यूज करने हैं जब सेक्स लिंक्ड है ये वाले यूज करने हैं जब ऑटोजोमल है अब मैंने ये कलर ब्लाइंडनेस का अगर आपको दे दिया तो आपने देखना है कि फीमेल अफेक्टेड है सेक्स लिंक के लिए क्या याद रखोगे सेक्स लिंक के लिए ये याद रखोगे कि अगर फीमेल दिको डिजीज है अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे याद रहेगा ये सारे मेल चाइल्ड क्या होंगे अफेक्टेड होंगे अगर फीमेल अफेक्टेड है तो सभी मेल चाइल्ड क्या होंगे अफेक्टेड होंगे ये याद रखेंगे आप अगर फीमेल अफेक्टेड है तो सभी मेल चाइल्ड हमारे पास अफेक्टेड आएंगे दूसरा अगर मुझे ध्यान से बेटा अगर मुझे फीमेल को अफेक्टेड लाना है तो उसको फादर को डिजीज होनी कंपलसरी ये दो पॉइंट याद रख सकते हो पेडिग्री बनाते वक्त पहला अगर फीमेल को ध्यान से सुनो डिजीज है तो उसमें कम से कम दोनों एक्स क्रोमोजोम क्या होंगे अफेक्टेड होंगे तो मेल में एक एक्स एक जाएगा ना तो मेल तो अफेक्टेड आएगा ही दूसरा अगर मुझे मेल को अफेक्टेड लाना है ध्यान सुनेंगे सॉरी अगर मुझे फीमेल को अफेक्टेड लाना है तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए ये आपका किसके लिए है ये आपका सेक्स लिंक के लिए चलो एक पेडिग्री बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ध्यान दो बेटा ठीक है क्लियर है ठीक आओ जरा एक पेडिग्री बनाते हैं देखो भाई कृपया ध्यान से करो पैडिग्री सॉल्व करते हैं आपके लिए ये मैंने एक पैडिग्री बनाया मैं कैसे कैसे पहचानूंगा आपको बता दूंगा मैं ये मैंने एक पैडिग्री बनाया, बनाया है ठीक है ये मैंने एक पैडिग्री बनाया है ठीक है मैंने इसमें कहीं कहीं पे जहां पे डार्क किया है वो मैंने कर दिया ठीक है ठीक है अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सा है क्या ये सेक्स लिंग्ड है क्या ये वाई लिंग्ड है क्या ये ऑटोजोमल रिसेसिव है या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है इनमें से कौन सा है ऑटोजोमल डोमिनेंट कौन सा है इनमें से बताओ दिमाग लगाओ इनमें से कौन सा है ठीक है बनाते हैं पहले सबसे पहले क्या वाइलिंग है मेल से मेल में गया नहीं वाइलिंग नहीं है देखो अगर इस मेल में है तो फादर में भी होना चाहिए था इसलिए वाइलिंग नहीं है सेक्स लिंग का मतलब क्या है फीमेल अफेक्टेड है इस फीमेल अफेक्टेड के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होने चाहिए तो ये सेक्स लिंक भी नहीं है अब बच गया ये ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट इन दोनों में से कोई भी बन सकता है हमेशा याद रखना जिस भी पेडिग्री में मेल फीमेल में से एक भी अफेक्टेड होगा और अगर वो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं किसी भी पेडिग्री में अगर सेक्स लिंक और ये ना बने मेल और फीमेल में से कोई भी एक अफेक्टेड होगा तो वो दोनों का बन सकता है इसका और इसका दोनों का बन सकता है किसी भी पेडिग्री में ध्यान से देखेंगे किसी भी पेडिग्री में ये दोनों नॉर्मल हैं ये दोनों नॉर्मल हैं ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो ये देखो किसी भी पेडिग्री में ध्यान से देखेंगे ऐसा कुछ कहीं दिख जाए आपको देखो ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं जिससे आप बना सकते हो पेडिग्री सुन लो ध्यान से आपको वाइलिंग कैसे पहचानना है मेल से मेल में जा रहा है कि नहीं इस मेल में नहीं है इस मेल में है नहीं है वाइलिंग सेक्सलिंग कैसे पहचानना है अफेक्टेड फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड हो ये दोनों नहीं है किसी भी पेडिग्री में जितने भी जोड़े पेयर दे रखे हैं उनमें अगर एक अफेक्टेड एक नॉर्मल है तो वो पेडिग्री दोनों में से किसी का भी बन सकता है एक ऐसा पेडिग्री जिसमें दोनों नॉर्मल हैं और उनका कोई बच्चा अफेक्टेड आ जाए ये पेडिग्री हमेशा ऑटोजोमल रिसेसिव का बनेगा ऐसा पेडिग्री जिसमें दोनों अफेक्टेड हो दोनों अफेक्टेड हो और ये नॉर्मल आ जाए ये नॉर्मल आ जाए तो ये मेरे पास ये मेरे पास ऑटोजोमल डोमिनेंट का बनेगा ये तीन चार ऑब्जर्वेशन है याद रखना कैसे पहचानोगे एक्स लिंक्ड है कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा तो तू तेरा कुछ नहीं हो सकता बहुत ही बढ़िया अगर किसी पेडिग्री में फीमेल अफेक्टेड है और मेल नॉर्मल है कोई एक भी तो वो सेक्स लिंग नहीं हो सकता किसी भी पेडिग्री में जोड़े में एक अफेक्टेड एक नॉर्मल है तो वो क्या बनेगा हमारे पास हमारे पास वो बनेगा सेक्स लिंगड मतलब सॉरी वो दोनों में से कोई भी बन सकता फिर आपको बना के देखना पड़ेगा और अगर मेरे पास दोनों नॉर्मल और अफेक्टेड आ जाए तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव होगा क्योंकि तो इसको आप कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दोगे ऐसे रिसेसिव में अफेक्टेड वाला स्मॉल ए स्मॉल होता है और इसमें बेटा आपको कैपिटल ए स्मॉल लिखना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल वाला स्मॉल स्मॉल होता है हा पेपर के बाद पिक्चर देखने जा सकते हैं जा, चला जा भाई तेरी मर्जी है ठीक है ना क्लियर है ठीक चलो अगर इससे भी बना लोगे पेडिग्री तो बहुत है मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बता रहा हूं जल्दी करो लास्ट टॉपिक है और थोड़ा सा टाइम लेके इसको बता देते हैं। वैसे तो आप लोग के तोते उड़ गए होंगे अब तक कुछ बच्चों के जल्दी करो बेटा आ जाओ जल्दी आ जाओ थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पे हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के हैं ध्यान से सुनना बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो हमारे पास इनहेरिट होंगे ठीक है गैमेट्स के थ्रू उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं ध्यान से सुनो जेनेटिक डिसऑर्डर को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं एक मैं लिख रहा हूं मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा जल्दी बताओ जो क्या फॉलो करता है फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो मैंडियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो ये फॉलो करता है जिसका रीजन क्या होता है जो पॉइंट म्यूटेशन से बनते हैं म्यूटेशन हम लोग उसके साथ देख लेंगे मॉलिकुलर के साथ पॉइंट म्यूटेशन से बनते हैं और इसको मैं पेडिग्री पे ड्रॉ कर सकता हूं पेडिग्री के थ्रू स्टडी कर सकते हैं इसको थ्रू पेडिग्री हम क्या कर सकते हैं इसको स्टडी कर सकते हैं उन्हें मैं डिसऑर्डर कहते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कैसे बनते हैं बेटा क्रोमोजोम कम ज्यादा होने से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कैसे बनते हैं क्रोमोजोम कम ज्यादा होने से तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का जो रीजन हम लोग लिखते हैं वो रीजन लिखते हैं एन्यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी लिखते हैं और वो क्यों होती है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन मतलब क्रोमोजोम अलग नहीं हो पाए कब अलग नहीं हो पाए नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज वन नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज वन समें फेज वन में हमारे पास नॉन डिसजंक्शन हुई है इस वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं ठीक है नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा और ये क्यों होते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन से एन्यूप्लॉडी हुई है एन्यूप्लॉयडी मतलब क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए हैं या घट गए हैं क्लियर इसके तीन एग्जाम्पल याद करने आपने डाउन सिंड्रोम टर्नर टर्नर्स और क्लीन फिल्टर जो एनसीआरटी बताती है हम एक बार जरा फटाफट से मेंडेलियन डिसऑर्डर देख रहे हैं ध्यान देंगे बेटा हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर देख रहे हैं और उसमें कौन सी देख रहे हैं आप देखो फटाफट से ध्यान दो बेटा फटाफट से एक सेकेंड देखो हाँ माइक में सेल है अभी तो थो। चलो ऑफ थोड़ा सा एक बार फिर से फोकस करो और मेरे साथ ध्यान से पढ़ो ताकि मैं आपको करा सकू है ना मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर जल्दी देखना बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है हमारे पास सबसे पहले देखो सबसे पहले इसमें मैं किन किन कैटेगरीज में जाऊंगा या दो ही कैटेगरीज पढ़नी है आपको तो सिलेबस में वैसे तो चलो देखते हैं एक कैटेगरी है ऑटोजोमल रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव बेटा एक कैटेगरी है इसमें सबसे पहले आपको सिक्कल सेल अनिमिया पढ़ना है फिर आपको पढ़ना है थैलेसीमिया फिर पढ़ना है पीकेयू जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोर्थ में सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है बेटा हमारे पास ध्यान से सुनेंगे लंग्स की प्रॉब्लम है ये ठीक है क्लियर है मतलब बेसिकली सीएल माइनस के चैनल में गड़बड़ होती है थिक म्यूकस बनता है ये है उसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनके सिर्फ नाम दे रखे हैं इनकी कोई डिटेल नहीं दे रखी ठीक है ये है उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट में सिर्फ एक नाम दे रखा है जिसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपने डिटेल नहीं पढ़नी इसकी और यहां पर आपके पास दो डिजीज है एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी आपके पास क्या है बेटा बताओ जल्दी से कलर ब्लाइंडनेस के बाद है मेरे पास हेमोफीलिया अब मैं इनको बताने जा रहा हूं जल्दी से ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे देखो इधर देखो इधर बेटा हम लोग पहले इन दोनों को बता रहे फिर इन दोनों को बता रहे ये चार बतानी है आपको ध्यान से देखो फोकस करो ठीक है क्लियर है हाँ, कुछ बच्चे कुछ कुछ लिख रहे हैं क्यों ध्यान से पढ़ो ठीक है हाँ मैं भी एक लिख रहा मैं पृथ्वी पुंडीर हूं क्या हो गया भाई उससे पढ़े करें स्टार्ट हां तुम पढ़ नहीं सकते थोड़ी देर तक हाँ ठीक है पढ़ते हैं बेटा घबरा क्यों रहे हो ठीक है क्योंकि आपका आज मान लो ये हो गया तो आप क्या करोगे रिवाइज करोगे बस इसे क्वेश्चन भी कराएंगे एक एक सेशन देंगे क्वेश्चन का इतने क्वेश्चन कराएंगे उसके बाहर से नहीं जाएगा कुछ ठीक है हाँ। है ना ठीक है क्लियर है अभी ब्रेक नहीं बेटा इसको खत्म करते हैं ब्रेक की बात तब करेंगे ठीक है डिनर विनर तो होता रहेगा डिनर कहां जाने वाला है है ना और घर वालों ने कौन से तुम्हारे लिए पकवान बना रखे होंगे ये भी बात है ना तुम तो वही खाते हो नॉर्मल जो खिलाते हैं तुम्हें आजकल डाट खा रहे हो ट्वेल्थ वाले हो ना तो डाट खा रहे हो खाने में डाट है। चलो सिक्कल सेल अनिमिया ध्यान से देखना सिक्कल सेल अनिमिया क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑटोजोमल रिसेसिव सुनते चलो क्या बता रहे इसमें देखो सिक्कल सेल अनिमिया मेरे पास क्या ऑटोजोमल रिसेसिव है ऑटोजोमल रिसेसिव है इसमें हमारे पास इसकी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मेरे पास क्या होती है दो एलिमेंस की एक है एचबीए जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन के लिए चाहिए और एचबीएस क्या करता है अब हीमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन बनाता है ठीक है ये जो पर्सन है एचबीए एचबीए इसका आरबीसी नॉर्मल होता है और जो एचबीए एचबीएस है याद करो क्या बताया था इसका आरबीसी नॉर्मल है पर ऑक्सीजन की टेंशन में इसकी सिकलिंग हो जाती है सिक्कल शेप हो जाता है सिक्कल शेप हो जाता है और इस पर्सन का आरबीसी बेटा डेथ हो जाती है इसकी तो इसका आरबीसी सिक्कल शेप होता है सिक्कल शेप आरबीसी होता है मलेरिया के केस में अफ्रीका में एडवांटेज है इस पर्सन को एचबीएचबीएस HB, को एडवांटेज होती है दूसरा इसका जो रीजन होता है बेटा रीजन क्या होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन देखो कैसे लिखते हैं हीमोग्लोबिन में, में मेरे पास क्या होता है आयरन है मान लो और उसमें चार हीम होते हैं और चार अल्फा सब यूनिट और चार बीटा चेन होती है बीटा चेन क्या है बीटा चेन प्रोटीन की चेन है बीटा चेन क्या है प्रोटीन की चेन है अब बीटा चेन चेन प्रोटीन की है। इसमें मेरे पास सिक्स्थ पोजीशन पर सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया वेलिन ने वेलिन ने रिप्लेस कर दिया है उसकी वजह से क्या होगा मेरे पास हेमोग्लोबिन पॉलीमरिक हो जाता है पॉलीमरिक मतलब एक दूसरे से जुड़ जाता है और यह वाला आरबीसी कैसा हो जाता है सिक्कल शेप सिक्कल शेप आरबीसी क्लॉग होता है कैपलरी में मतलब फंसने लगता है उससे क्या होता है सिवियर पेन होता है सिवियर पेन होता है दूसरा इस वाले आरबीसी का ट्वेंटी डेज का लाइफ स्पान होता है डिस्ट्रॉय भी जल्दी होता है तो सिक्कल सेल अनिमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुई है और वो पॉइंट म्यूटेशन सबसे हुई है कौन सी म्यूटेशन हुई है सबसे हुई है सबसे की वजह से एबनॉर्मल एच बी है जिसमें मेरे पास क्या होता है बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाई वेलिन ऐसा कुछ हो जाता है अब इसमें आपको यह चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए यहां पर देखेंगे बेटा ये चीज समझ में आनी चाहिए यह क्वेश्चन आ सकता है ऐसे डायग्राम में मेरे पास जीएजी रिप्लेस हो जाता है जी से ये याद रखना जीएजी रिप्लेस हो जाता है जी से जिससे सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस होता है क्लियर है ये पूछ सकता है और आपको जीन पूछेगा तो आप जीएजी लिख दोगे बेटा कोडिंग स्टैंड है और उसका अपोजिट क्या आएगा सी टी सी है ना और जीयू जी की जगह जी टी जी आ जाएगा कोडिंग बेटा ये कोडिंग है ना आपको पता है कोडिंग होता है और फिर उसकी जगह अपोजिट में आ क्या आएगा सीए सी तो मैं आपको यह कह रहा हूं आप सिर्फ एम आर एन ने याद करके जाओ जीए जी जिसको रिप्लेस कर दिया है जी से जिसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो रहा है वेलिन से यह याद करना आपने जिससे नॉर्मल आरबीसी सिक्कल शेप हो जाता है क्लियर है ठीक है यह बेटा याद रखना है सिक्कल सेल एनीमिया के लिए अब हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के लिए थैलेसीमिया और सिक्कल सेल एनीमिया में एक डिफरेंस है ध्यान से सुनो बेटा सिक्कल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल एच बी बनता है और में लेस अमाउंट होती है लेस सिंथेसिस होती है ये फर्क होता है क्लियर है हमारे पास दो क्रोमोजोम के बारे में इसने बताया गया एक बताया है क्रोमोजोम इलेवन और एक बताया है क्रोमोजोम सिक्सटीन क्रोमोजोम 11 पर मेरे पास जीन दे रखी है जीन का नाम है ध्यान से देखना बेटा जीन दे रखी है इस जीन का नाम है एच बी ए यहां एच बी ए देख रहे हो एच बी हमारे पास जीन के नाम है बेटा देखो क्रोमोजोम नंबर 11 पर मेरे पास जो जीन है ध्यान दे बेटा मेरे पास जो जीन है वो कौन सी है देखो एच बी बी और एच बी बी जो क्या बनाती है बीटा चेन बनाती है क्रोमोजोम इलेवन पर मेरे पास क्रोमोजोम नंबर सिक्सटीन पर एच बी ए वन और एच बी ए टू ये दो जीन है ये दो जीन है बेटा आप देख लो ध्यान से तो टोटल ये दोनों मिलके अल्फा चेन बनाती हैं तो इसका मतलब टोटल कितनी जीन हो गई टोटल मेरे पास तीन जीन लोकाई हो गई टोटल कितनी अलील हो गई सिक्स अलील हो गई उसमें से ये वाली बीटा चेन बना रही है अगर यहां पर म्यूटेशन हो जाए इन दोनों में तो क्या होगा बीटा थैलेसीमिया और यहां पर यह क्या है इनमें तीन में म्यूटेशन होगी तब अल्फा थैलेसीमिया होता है तीन म्यूटेशन होने से कम से कम मेरे पास क्या होगी अल्फा थैलेसीमिया क्या ये समझ में आ रहा है बताओ मेरे को आपको क्रोमोजोम नंबर याद करके जाने है स्कूल के हिसाब से एच बी बी जीन क्रोमोजोम इलेवंथ पर है क्वान्टिटेटिव है ये अल्फा चेन बनाती और ये क्वांटिटेटिव है बेटा क्वांटिटेटिव का मतलब जितनी ज्यादा मेरे पास क्या होगी ये वाली जीन्स होगी उतना ज्यादा बनेगा ये वाला क्वालिटेटिव होता है और कई बार एक क्वेश्चन नीट में आया था जहां पर यह स्कूल में भी आ सकता है सिक्कल सेल अनिमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे तो अगर मैं आपसे कहूं ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है या तो यहां बनेगा या नहीं बनेगा ये वाला क्वांटिटेटिव है क्योंकि यहां पर क्या होता है अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन पे फर्क पड़ता है सिक्कल अनिमिया में वन जीन लोकाई इन्वॉल्व है थैलेसीमिया में कितनी लोकाई इन्वॉल्व है थ्री जीन लोकाई इसमें एबनॉर्मल सिंथेसिस होती है एबनॉर्मल और इसमें होती है लेस सिंथेसिस ये डिफरेंस है बेटा आपको याद रखना है कि थैलेसीमिया में कम बनता है हीमोग्लोबिन क्या होता है कम बनता है और हमारे पास हा हमारे पास क्या होता है बेटा वाई वी नीड थ्री म्यूटेशन एक्चुअल में दो म्यूटेशन अगर हो जाती है उतना फर्क नहीं पड़ता तब भी थोड़ा बहुत अल्फा चेन बन जाता है कम से कम जब तीन म्यूटेशन होती है तो अमाउंट ऑफ अल्फा चेन पे फर्क आता है इसलिए लिख रहे हैं ठीक है क्लियर यहां तक समझा है अच्छा क्रोमोसोम याद कर सकते हैं और एनसीआरटी ने लिखा क्लोजली लिंक्ड टू जीन एच बी ए वन और एच बी ए टू हाँ बेटा हाँ। आप कर सकते हो थैलेसीमिया को तो अब आप यहां से आप बात कर सकते कलर के लिए। हाँ भाई कलर क्या होता है हम किसी पर्टिकुलर कलर इसमें पहले बात तो डेथ नहीं होती है ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस में हमारे पास क्या होता है बेटा हमारे पास कौन सेल्स होते हैं कौन सेल्स कलर देते हैं क्या देते हैं कलर देते हैं तीन होते हैं हमारे पास एक होता है रेड एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू ठीक है हमारे पास क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में म्यूटेशन होती है म्यूटेशन और ये बेटा हमारे पास किसमें होते हैं ये एक्स क्रोमोजोम पे है जीन जो ये कलर के लिए मतलब कौन के लिए आपको लिंक तो एक्स पे प्रेजेंट होती है हमारे पास क्या होगा म्यूटेशन से क्या होगा हमारे पास कलर कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूँ देखो ध्यान से मैं यहां पे लिख रहा हूं कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में अंतर नहीं कर सकते किसमें अंतर नहीं कर सकते रेड और ग्रीन में नॉट एबल टू इसलिए उसको बेटा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन या तो रेड दिख रहा होगा या ग्रीन दिख रहा होगा कोई एक कलर दिखेगा ठीक है अब मेरे को एक चीज बतानी है देखो ये मेल नॉर्मल है और ये मेल कलर ब्लाइंड है ठीक है ये फीमेल नॉर्मल है देख रहे हो ये ध्यान से देखना बेटा ये फीमेल जो है ये नॉर्मल है ये फीमेल नॉर्मल है पर कैरियर है नॉर्मल मतलब फिनोटाइप नॉर्मल है पर कैरियर है और ये वाली फीमेल डिजीज है तो फीमेल में मुझे दो क्रोमोज़ोम चाहिए फीमेल में कितने एक्स क्रोमोज़ोम चाहिए दो क्रोमोज़ोम चाहिए टू एक्सक्रोमोजोम चाहिए क्लियर है दो एक्सक्रोमोजोम चाहिए बेटा अब मैं आपसे ये कह रहा हूं एनसीआरटी लिखती है एनसीआर क्लियरली कहती है कि 0.4 परसेंट फीमेल में मुझे कलर ब्लाइंडनेस दिखता है और 8 परसेंट मेल में कलर ब्लाइंडनेस दिखता है मेल में ज्यादा क्यों दिखता है क्योंकि एक एक्स क्रोमोजोम से भी कलर ब्लाइंडनेस दिख जाएगी क्लियर है क्लियर बेटा क्लियर हाँ, आपको दिख जाएगी कंफर्म देखो तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मेरे को फीमेल कलर बैंड चाहिए अगर मुझे फीमेल कलर ब्लाइंड चाहिए तो फीमेल कलर बैंड कैसे आएगा फादर अफेक्टेड चाहिए फादर अफेक्टेड चाहिए और मदर एटलीस्ट कैरियर मदर एटलीस्ट कैरियर कम से कम कैरियर होगी तभी फीमेल अफेक्टेड मिलेगी तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक टेस्ट होता है उसे इशियारा टेस्ट कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डॉट्स लगे रहते हैं उसमें आप कलर देखते हो एट लिखा है सेवन लिखा है वो सारा ठीक है अब यहां से हम बात कर सकते हैं हेमोफीलिया की हेमोफीलिया का एक और नाम ब्लीडर्स डिजीज है बेटा क्या नाम है ब्लीडर्स डिजीज हमने क्या लिखा ब्लीडर्स डिजीज ये लिख दिया है ना हमने ब्लीडर्स डिजीज लिख दिया अब सुनना ध्यान से जो बताने जा रहा हूं अब ब्लीडर्स डिजीज जो है हमारे पास हीमोफीलिया में क्या होता है सुनना ध्यान से हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए मैं रिपीट करता हूं आपको इस बात पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए मुझे 13 फैक्टर्स चाहिए और एक पूरा कैस्केड होता है कैस्केड समझ में आता है एक फैक्टर दूसरे में कन्वर्ट होता है वो तो अगर मेरे पास कोई फैक्टर मिसिंग होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा अगर कोई फैक्टर मिसिंग है तो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा ब्लड का क्या बढ़ जाएगा ब्लड का बेटा क्या बढ़ जाएगा क्लॉटिंग टाइम समझो ध्यान से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा दो चार मिनट में ब्लड क्लॉट नहीं करेगा समझो कोई फैक्टर मिसिंग होगा ब्लड क्लॉटिंग का जैसे हमारे पास फैक्टर एट एबसेंट होता है फैक्टर एट एबसेंट है तो उसे हम हेमोफीलिया ए कहते हैं बेटा हेमोफीलिया ए कहते हैं ठीक है और ये फर्स्ट किसमें ऑब्जर्व हुआ था सुनना ध्यान से फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था किसमें आपकी एनसीआरटी कहती है कि ब्लड क्लॉटिंग के कैस्केड में अगर कोई एक फैक्टर मिसिंग है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी फैक्टर एट एब्सेंट होने से हेमोफीलिया हो जाता है और उस ये फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था हमारे पास क्वीन विक्टोरिया के सन में क्वीन विक्टोरिया के जो सन थे उनके उनके जो बेटे थे उनमें मतलब संस में से ऑब्जर्व हुआ था रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड में क्योंकि क्वीन विक्टोरिया क्या थी बेटा रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी ठीक है ऑफ इंग्लैंड क्लियर है अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स एच और एक्स एच ये अफेक्टेड फीमेल है इसकी डेथ हो जाती है बेटा फीटल स्टेज में इसकी डेथ हो जाती है ये फीमेल कैरियर है ये सरवाइव करती है फीमेल ये नॉर्मल है फीमेल ये नॉर्मल लिखेंगे इसको तो ये मेल मेरे पास नॉर्मल है और एक्स एच वाई ये अफेक्टेड है एनसीआरटी लिख के अनवाइबल इन लेटर स्टेज अनवाइबल इन लेटर स्टेज लेटर स्टेज में ये अनवाइबल है अनवाइबल का क्या मतलब हुआ बाद में जाके डेथ होती है तो मेल में ज्यादा चांसेस क्यों है क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोजोम है क्लियर समझ में आ रहा है हेमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं मुझे अगर आपसे पूछू यहां पर कि मुझे बताओ जरा ये फीमेल तो होगी नहीं ठीक है तो मैरिज किसके बीच में होगी कैरियर फीमेल अफेक्टेड मेल में हो सकती है या कैरियर फीमेल की नॉर्मल से मैरिज हो सकती है इसीलिए फीमेल का अफेक्टेड आना मुश्किल है क्योंकि कैरियर की अगर नॉर्मल से मैरिज होगी तो कैसे अफेक्टेड आएगा आप खुद से सोचो फीमेल तो अफेक्टेड आई नहीं सकती इसीलिए फीमेल में हेमोफिलिया रेयर होगा मेनली मुझे किसमें दिखेगा मेल में क्योंकि फीमेल कैरियर होती है नॉर्मली इसमें क्योंकि अफेक्टेड वाली की डेथ हो जाती है यहां तक समझ में आया ठीक है अब हम जो लास्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो क्या है वो है हमारे पास प्रोमोजोमल डिसऑर्डर अब ध्यान से सुनो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उसका जो मेन रीजन है मियोसिस के समय एबनॉर्मल गैमेट बनना तो अगर रीजन की बात करें तो ये क्लियरली याद करना आपने एन्यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है अनइक्वल क्रोमोजोम मतलब अनइवन क्रोमोसोम क्रोमोजोम लिख देते हैं अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम और वो क्यों होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम इन एनाफेज वन एनाफेज में अलग होते थे वो एनाफेज वन में नहीं हो पाए ठीक है अब देखो सबसे पहली डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था आपको ईयर याद करना है बेटा 1866 में लैंगडन डाउन ने लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम क्या होता है ट्राइसोमी है आपको मैं एक चीज बताता हूं यहां पर मान लो मेरे पास एक मेल गैमेट है जिसमें 23 है फीमेल में 24 है तो इनको मिक्स करूंगा तो 47 आ जाएंगे तो किसी एक क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी होगी तो ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम यह समझो ध्यान से इसे डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम बेटा ऐसा नहीं है कि पर्सन स्टिराइल होता है सुन लें ध्यान से वो शॉर्ट स्टेचर हो सकता है ठीक है ओपन माउथ होगा उसका मुंह खुला रहेगा ऐसे होता है ठीक है फरोट टंग बताते हैं उसके सिम्टम्स याद करने आपने फरोट टंग होती है ठीक है साइकोमोटर साइकोमोटर का मतलब आईक्यू कम होता है लो आईक्यू है बेटा हमारे पास ठीक है और लूप्स हैं फिंगर पे डिस्टिंक लूप्स बनती हैं फिंगर पे लूप्स बनेंगे अलग तरह के डिस्टिंक पाम क्रीज है है ना और कंजिनाइटल हार्ट डिजीज होती है हार्ट डिजीज होती है बर्थ से हार्ट डिजीज बर्थ से होती है उसको कंजिनाइटल कहते हैं अभी एक चीज देखो ध्यान से ये तुम्हारे पास जो डायग्राम दे रखा है कुछ सिम्टम्स इसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं ये इन सिम्टम्स को जरूर पढ़ के जाना और कई बार क्या होगा ये डायरेक्टली आ जाएगा ये डायग्राम डायरेक्टली तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा और इसको देख के आपको पता चलेगा कि यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम तीन है ट्वेंटी के ये फिर किसका डायग्राम ये डायरेक्ट आएगा इसको हम कैरियो कहते हैं बेटा ये कैरियो दे रखा है ना कैरियो गिवन है तो ये तीन दे रखे हैं ऐसा ये डायग्राम बना हुआ आ जाएगा और आपको कहेगा बताओ कौन सी डिजीज है तब आप कहोगे कि ये डाउन सिंड्रोम है या ये डायग्राम के आएगा ओपन माउथ ब्रॉड फ्लैट फेस और बताएगा आपसे पूछेगा कौन सी डिजीज है या आपके पास ये डायग्राम बने हुए आ सकते हैं जिसमें हमारे पास दो डिजीज के नाम दे रखे हैं एक टर्नर सिंड्रोम तो टर्नर सिंड्रोम जो है फीमेल है जिसको हम क्या लिख रहे हैं 44 फोर प्लस एक्स नॉट फोर्टी फाइव क्रोमोजोम है तो ये फीमेल है जो स्टिराइल है फीमेल है जो स्टिराइल है जिसका शॉर्ट स्टेचर है पर उसकी जो ओवरी है बेटा रूडिमेंट्री है ओवरी में गैमेट्स डेवलप नहीं होते ना उसमें प्रॉपर हॉर्मोन्स बन रहे हैं तो रूडिमेंट्री ओवरी है ये टर्नर सिंड्रोम है अब मेरे पास एक होता है क्लेन फिल्टर तो ये टर्नर का हो गया ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा हमारे पास क्या है क्लैन फिल्टर क्लेन फिल्टर सिंड्रोम ये मेल है बेटा दिस इज मेल क्योंकि इसमें फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम है आप देखो एक्स्ट्रा एक्स है तो ये मेल है पर स्टीराइल है क्योंकि इसमें नॉट वेल डेवलप्ड वेल well, मतलब नॉट वेल डेवलप टेस्टिस हैं टेस्टिस प्रॉपरली डेवलप नहीं है और आ, हमारे पास हॉर्मोन्स का इंबैलेंस होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है गाइनिकोमा कहते हैं इसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है तो आपको ये डायग्राम भी आ सकते हैं कि ये डायग्राम देकर डिजीज पूछ देगा और उसके सिम्टम कहेगा बताने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो ये बेटा आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्रोमोजोमल डिसऑर्डर थे